नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इसमें हम 100 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग देखने वाले हैं, ऐसे 100 क्वेश्चंस जो कि आपकी स्पीड को भी बूस्ट करेंगे। काफ़ी दिनों से अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इस सेशन को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देख लीजिएगा। इस सेशन में दोस्तों 100 क्वेश्चंस का मतलब, जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चंस हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पज़ल कर रहे हैं तो 50 पज़ल होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा आप कन्फ्यूज मत होइएगा। एक पज़ल में 5 क्वेश्चन होते हैं तो हम एक पज़ल को 5 मानकर चलेंगे। मतलब 100 क्वेश्चंस अगर हुए, अगर पूरे के पूरे हम पज़ल करते तो 20 पज़ल्स इज इक्वल टू 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो उस तरीके से हम यहाँ पर, और सिर्फ पज़ल नहीं होने वाला है तो टेंशन मत लीजिएगा कि सिर्फ पज़ल ही होगा क्या, नहीं। सिलॉजिज्म के भी क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ के भी हैं, नंबर टेस्ट के भी हैं, कोडिंग डिकोडिंग के भी हैं, ब्लड रिलेशन के भी हैं, पज़ल भी हैं, ठीक है। पज़ल भी हर टाइप के पज़ल्स हैं यहाँ पर, फ्लैट फ्लोर, लीनियर, स्क्वायर, सर्कुलर, तो हर टाइप के पज़ल्स यहाँ पर हैं और सारे मिसलिनियस के क्वेश्चंस भी हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आप, चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। गुड मॉर्निंग सभी को। सॉल्व हो जाएगा तो डन लिख दीजिएगा दोस्तों। चलिए डन के काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है 8% STUVWXYZ आर सिटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल रो, 4 ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल द रेस्ट आर फेसिंग साउथ। बोल रहे हैं कि 8 लोग एक रो पर बैठे हुए हैं जिसमें से 4 लोग जो हैं वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, 4 लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आगे क्या बोल रहा है, टी इज द थर्ड पर्सन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो मैंने आपको पलटने वाला कंसेप्ट सिखाया है, उसी को यहाँ पर यूज़ करेंगे। टी को किसी भी एक एंड से थर्ड पे रख दो, मैं इस तरफ से थर्ड पे रख देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर भी रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, सिर्फ नॉर्थ साउथ पलट देना होता हमको।
अब क्या बोल रहा है, टू पीपल सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेस इन द सेम डायरेक्शन, टू पीपल सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स फेस इन द सेम डायरेक्शन, तो एंड्स वाले जो होंगे वो सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, एंड्स वाले सेम डायरेक्शन फेस करेंगे. थ्री पीपल सिट बिटवीन वाई एंड एक्स, वाई और एक्स के बीच में तीन लोग हैं, एक दो तीन, ये हो गया एक्स. नेबर्स ऑफ डब्ल्यू फेस इन द सेम डायरेक्शन, डब्ल्यू के जो नेबर्स हैं ये दोनों ये सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, बट ऑपोजिट टू डब्ल्यू, तो ऑपोजिट टू डब्ल्यू है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ऑपोजिट टू डब्ल्यू होंगे. ठीक है, उसके बाद बोल रहा है नीदर एक्स नॉट डब्ल्यू सिट एट द एक्सट्रीम एंड, एक्स और डब्ल्यू जो है ये दोनों के दोनों एंड पे नहीं बैठते. फिर बोल रहा है वी सिट्स टू लेफ्ट ऑफ एस, वी जो है वो लेफ्ट की तरफ में बैठता है एस से. एस हु सिट्स एडजेसेंट टू नीदर जेड नॉर यू, एस जो है वो जेड और यू के एडजेसेंट में नहीं होना चाहिए. वाई सिट्स एडजेसेंट टू टी, वाई जो है ये टी के एडजेसेंट बैठा हुआ है. एंड फेसेस साउथ, और साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो वाई साउथ देख रहा है, यहां पर लिख लेते हैं साउथ. उसके बाद क्या बोल रहा है, V does not sit adjacent to U. V जो है वो U के adjacent नहीं बैठता, तो V U के adjacent नहीं है, मतलब इसके बगल में U नहीं होना चाहिए. Z and U are second to left of each other. Z और U जो है ये दोनों एक दूसरे से second to left हैं. तो second to left मतलब ये ऐसा हो जाएगा, second to left ये, इसके second to left ये. ठीक है, तो ये तो conditions note हो गई. आगे देखते हैं अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम. तो T हमारे पास बना हुआ है, Y से स्टार्ट करते हैं. देखो अगर T के बगल में Y रखना है, अगर आप यहाँ पर Y रखते हो तो फिर Y से तीन छोड़कर X रखोगे, तो तीन छोड़कर X यहाँ पर आ जाएगा एंड पे, जो कि मना किया गया है, पॉसिबल नहीं है. इसलिए T से इस तरफ Y को नहीं ले सकते, तो T से ऐसे लेफ्ट की तरफ में Y लेना पड़ेगा यहाँ पर. अब देखो Y से तीन छोड़कर X चाहिए, तो Y से एक दो तीन छोड़कर ये हो गया X, ये कंडीशन हो गई हमारी. इसके बाद क्या बचा आप देखते हैं. Neither X nor W sit at extreme end. V sits to left of S, who sits adjacent to neither Z nor U. ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, U से एक छोड़कर Z लेना है. U से एक छोड़कर Z लेने के लिए हमारे पास सिर्फ ये वाली जगह दिख रही है और कोई भी जगह नहीं दिख रही है. ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ यही वाली जगह दिख रही और कोई भी जगह नहीं है जहां पर आप U और Z को सेट कर सको. तो U और Z को रखने के लिए हम बोल सकते हैं कि U अगर यहां आएगा तो Z यहां आएगा. ठीक है, और अगर U यहां आएगा तो Z यहां आएगा. क्योंकि अभी डायरेक्शन नहीं पता ना, तो हम अभी सेट नहीं कर सकते, बाद में देखेंगे उसको. तो ये वाली कंडीशन भी हो गई हमारी. उसके बाद S जो है वो Z और U दोनों के पास में नहीं है. तो अगर S जो है वो Z और U दोनों के पास में नहीं है, तो Z और U में से कोई एक आने वाला है, यानी S यहाँ भी नहीं आएगा, S यहाँ भी नहीं आएगा. तो S अगर इन दोनों जगह पे नहीं आएगा, तो S यहाँ पर आएगा, कंफर्म हो गया. ये कंडीशन हो गई. अब देखो, S से लेफ्ट की तरफ में आपको V रखना है. ठीक है, S से लेफ्ट की तरफ में V रखना है. अच्छा, एक चीज़ और, W जो है, W अभी तक कहीं पर भी नहीं था और एंड पे भी नहीं है, तो W यहाँ पर आ जाएगा. तो बचा क्या था, V, वो यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, डायरेक्शन बाद में देखेंगे, उसका टेंशन मत लो. अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ पता है कि S से लेफ्ट की तरफ में V होना चाहिए, जो कि U के बगल में नहीं है. तो अगर V के बगल में U नहीं है, मतलब यहाँ पर Z होना चाहिए था और यहाँ पर U होना चाहिए था. अब डायरेक्शन की बारी, अब डायरेक्शन सेट करते हैं. तो आपको क्या बोला गया है, U से सेकंड टू लेफ्ट में Z है, Z से सेकंड टू लेफ्ट में U है. तो ये कैसा बनेगा, ऐसा, Z के सेकंड टू लेफ्ट में U है, U के सेकंड टू लेफ्ट में Z है. ये चीज़ हो गई. दूसरा हमको पता है, S से लेफ्ट की तरफ में V होना चाहिए था. तो S से लेफ्ट की तरफ में V कब होगा, जब ये S नीचे की तरफ देखेगा, तब ये लेफ्ट की तरफ में V होगा. ये वाली कंडीशन भी हो गई हमारी. ठीक है, उसके बाद देखो, एंड्स जो है ये सेम डायरेक्शन है. तो अगर ये नीचे देख रहा है, तो ये भी नीचे देखेगा. ठीक है, अब आपको पता है W के अगल बगल वाले सेम है, तो W के अगल बगल सेम है, मतलब ये नीचे है, तो ये भी नीचे हो जाएगा. अब देखो, चार लोग अगर नीचे वाले मिल गए, तो चार ऊपर वाले हो जाएंगे. और आपको क्या पता था, यहाँ पर Y जो है साउथ फेस कर रहा है. अगर Y ऊपर देख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो गया, बिल्कुल सही बनाया है हमने. Y ऊपर देख रहा है, ऊपर साउथ हो गया, नीचे नॉर्थ हो गया. ये आपका आंसर सॉल्व. तो इसको बोलते हैं पलटने वाला कंसेप्ट, जिसमें आप डायरेक्शन को अपने हिसाब से ऊपर भी ले सकते हो. ठीक है, साउथ को आप ऊपर भी ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि जो नॉर्थ है वो ऊपर की तरफ ही होना चाहिए और साउथ जो है वो नीचे की तरफ ही होना चाहिए. तो आंसर मैच करते हैं दोस्तों, उल्टा दिखेगा आंसर हमको. ठीक है, लेकिन आंसर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर सब सही आएंगे.
VZXUW TYS, बिल्कुल सही है। इसमें अब ये भी देख लेते हैं साउथ कौन कौन फेस कर रहा है, तो YWXZ, तो ये देखो YWXZ ये साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। आज जल्दी क्लास स्टार्ट हुआ है क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं तो टाइम लगेगा, 9 बजे स्टार्ट करता तो पूरा नहीं कंप्लीट कर पाते। सर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन मॉक, डोंट नो why, कुछ तो इशू होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी जो आप समझ नहीं पा रहे हो। दोस्तों कुछ आप लोगों को थोड़ा सा हवा टाइप की फील हो सकती है माइक में, क्योंकि एसी नहीं चल रहा है, मैंने फैन चलाया हुआ है। सर आपने दिल्ली में कोई मीटअप किया था कल? कल नहीं हुआ था, संडे को हुआ था सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का। काफ़ी सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आए थे, काफ़ी सारे नहीं आ पाए। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो गया सभी से। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में। 8 people S to Z आर लिविंग इन अ 4-story बिल्डिंग सच दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, अबाउट इज 2 एंड देन द टॉप फ्लोर इज नंबर्ड 4। ईच ऑफ द फ्लोर हैज 2 flats इन इट एज Y and Z। वाई ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली, ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बोल रहा है वाई इज इन द वेस्ट ऑफ जेड, तो वाई जो है वो वेस्ट में है जेड से, ठीक है। और टोटल 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 4, 3, 2, 1, तो ये फ्लैट फ्लोर वाला पजल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जेड लिव्स टू द ईस्ट ऑफ एक्स, जेड जो है वो ईस्ट की तरफ में रहता है एक्स से, मतलब कि ऐसा राइट में हो जाएगा। ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, तो ऑड नंबर का फ्लोर, यानी यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं ऑड नंबर का फ्लोर है, यानी 1 पे हो सकता है या तो 3 पे हो सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। U lives immediately above V. U जो है वो immediately V के ऊपर रहता है, and both live in the same flat. दोनों same flat पे हैं, मतलब कि या तो इस वाले flat पे होंगे या तो इस वाले flat पे होंगे। फिर बोल रहा है there is a gap of 1 floor between the floor of S and U. S और U के floor के बीच में 1 floor का gap है। No one lives to the west of S. S के west में कोई नहीं रहता, मतलब S के east में ही कोई ना कोई होगा ऐसे इस तरफ, मतलब S जो है वो confirm इसी वाले में आने वाला है। फिर बोल रहा है नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एस, वी लिव्स 3 फ्लोर बिलो टी, वी जो है वो टी से 3 फ्लोर नीचे है, तो टी से 3 फ्लोर नीचे मतलब 1, 2 और ये तीसरा हो गया, ये ऐसा बनेगा। फिर क्या बोल रहा है, एंड बोथ लिव इन द सेम फ्लैट, दोनों के दोनों सेम फ्लैट पर रहते हैं, तो ये भी कन्फर्म हो गया कि या तो यहाँ और यहाँ होंगे या तो यहाँ और यहाँ होंगे। आगे आपको बोल रहा है टी एंड बोथ लिव इन द सेम फ्लैट जेड, अच्छा जेड का बता दिया है, डायरेक्ट आपको बोल दिया कि जेड वाले फ्लैट में होंगे, मतलब टी और वी को आप सेट कर सकते हो यहाँ पर, टी और वी,
और आपको पता है वी के जस्ट ऊपर यू है तो यू आ जाएगा यहाँ। अब आपको ये भी पता है कि एक्स और जेड रखना है तो एक्स और जेड के लिए सिर्फ ये वाली जगह बची थी। अब ये भी पता है कि एस के राइट में कोई एक होना चाहिए तो एस यहाँ 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 कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ तो नहीं हो सकता, यहाँ पर यहाँ इन दोनों में से किसी एक जगह पे होगा, लास्ट लाइन से पता चल जाएगा। डब्ल्यू डज नॉट लिव ऑन फ्लोर नंबर वन, अगर डब्ल्यू फ्लोर नंबर वन पर नहीं रहता, यहाँ नहीं रहता, तो देखो कन्फर्म है हमको कि एस एक छोड़कर यू जो हमको लेना था, एस से एक छोड़कर यू, तो ये देखो यू से एक छोड़कर ये एस यहीं पर आएगा, कन्फर्म हो गया, ठीक है। और डब्ल्यू अगर यहाँ वन पर नहीं रहता तो डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा, तो जो बच गया उसको यहाँ रखेंगे। तो S T U V W X Y और Z, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सभी का सेम आंसर आया होगा, एक बार चेक करके बताइए जल्दी से। S X W Y, S X W Y, T Z U V, T Z U V, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सिलॉजिज्म के क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। सर आई फॉलो यू फ्रॉम 2021 बट आई हैव ज्वाइंड कंपनी इन 2022, सो नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बैंक अगेन, फीलिंग लो विथ मॉक मार्क्स। आप बस रेगुलर रहिए, धीरे धीरे आपके जो मार्क्स हैं वो वापस से सही आने लग जाएंगे। चलिए यहां पर देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहे हैं। सम एप्पल आर नॉट बनाना, सम एप्पल, थोड़े से एप्पल ऐसे हैं जो बनाना नहीं है, ठीक है। उसके बोल रहे ऑल बनाना आर गुआवा, पूरे के पूरे जो बनाना है ये गुआवा है। ओनली अ फ्यू पाइनएप्पल आर गुआवा, सिर्फ थोड़े से पाइनएप्पल जो होंगे वो गुआवा है। अब कंक्लूजन में बोल रहे सम एप्पल आर नॉट गुआवा, थोड़े से एप्पल जो है वो गुआवा नहीं है, गलत बोल रहा है। गलत क्यों बोल रहा है कि भाई थोड़ा सा एप्पल जो है वो बी के अंदर नहीं जाएगा, गुआवा के अंदर तो जा सकता है ना, इसलिए गलत हो गया पहला वाला। कैसे हुआ फिर से बता रहा हूँ, देखो ये थोड़ा सा जो एप्पल है वो कहाँ नहीं जा सकता, वो इस बी के अंदर नहीं जा सकता, बनाना के अंदर नहीं जा सकता, यहाँ गुआवा के अंदर तो जा सकता है ना, इसीलिए गलत हो गया। एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं होता, सम पाइनएप्पल आर बनाना, थोड़े से पाइनएप्पल आपको बनाना दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, मतलब सीधा सीधा गलत हो गया, तो नीदर नॉर हो गया इसका आंसर, ठीक है। दूसरे वाले को देखते हैं, ऑल क्रिकेट आर फुटबॉल, ऑल क्रिकेट आर फुटबॉल। फिर बोल रहा है नो फुटबॉल इज गोल्फ, कोई भी फुटबॉल जो है ये गोल्फ नहीं है। फिर बोल रहा है सम गोल्फ आर बैडमिंटन, थोड़े से गोल्फ जो है ये बैडमिंटन है। कंक्लूजन में देखिए सम बैडमिंटन आर नॉट फुटबॉल, सम बैडमिंटन, थोड़े से बैडमिंटन ऐसे हैं जो फुटबॉल नहीं है, बिल्कुल सही है। ये देखो बैडमिंटन का ये वाला पोर्शन ये इसके अंदर है और ये फुटबॉल में नहीं जा सकता, मतलब ये थोड़ा सा बैडमिंटन जो है वो फुटबॉल में नहीं जा सकता, तो वही ये भी बोल रहा है सम बैडमिंटन आर नॉट फुटबॉल, सही बोल रहा है। नो गोल्फ इज क्रिकेट, बोल रहा है कोई भी गोल्फ जो है वो क्रिकेट नहीं होगा, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि गोल्फ यहाँ नहीं आ सकता इसके अंदर, और इसके अंदर नहीं आएगा मतलब क्रिकेट के अंदर भी नहीं आएगा, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। तो बोथ फॉलो आंसर बनेगा, सभी का आ रहा है सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दो क्वेश्चन जल्दी से बनाइए।
फटाफट बनाओ, कैसे कर दे रहे हो यार, जल्दी जल्दी। देखिए क्या बोल रहे हैं, फ्यू रॉकेट आर चॉपर, फ्यू रॉकेट थोड़े से रॉकेट जो हैं वो चॉपर है। फिर बोल रहे सम एयरप्लेन आर नॉट चॉपर, सम एयरप्लेन ये एयरप्लेन है, इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है ये चॉपर नहीं है। ओनली रॉकेट आर हेलीकॉप्टर, ओनली वाला कैसे बनाते हैं, ओनली को काट के यहां पर ऑल लगाओ और उल्टा पढ़ लो, ऑल हेलीकॉप्टर आर रॉकेट, ऑल हेलीकॉप्टर आर रॉकेट। तो ये इसमें ऐसे मार्किंग करनी होती है, ये ना खुद कहीं जाएगा ना किसी को अपने पास आने देगा, ठीक है। सम चॉपर कैन बी हेलीकॉप्टर, थोड़े से चॉपर हेलीकॉप्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि ये किसी को भी अपने पास नहीं आने देता। सम एयरप्लेन आर नॉट रॉकेट, सम एयरप्लेन आर नॉट रॉकेट इज अ पॉसिबिलिटी, तो थोड़े से एयरप्लेन की रॉकेट नहीं होने की कोई पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ बिल्कुल है, नहीं होने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो ट्रू हो जाती है। क्या आंसर आ रहा है, ओनली टू, ठीक है बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, ऑल अंकल आर आंट, पूरे अंकल जो हैं वो आंट हैं। फिर बोल रहा है ऑल आंट आर सिस्टर, पूरे आंट जो हैं ये सिस्टर हैं। नो सिस्टर इज मदर, कोई भी सिस्टर जो है ये मदर नहीं है। अब बोल रहा है नो अंकल इज मदर, कोई भी अंकल जो है वो मदर नहीं है, कोई भी अंकल, ये देखो ये इधर नहीं जा सकता, मतलब सही। ऑल मदर कैन बी आंट, क्या पूरे मदर जो है वो आंट के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, ओनली वन बनेगा। नेक्स्ट, सारे अंकल आंटी हैं। चलिए बनाते हैं इसको। सम टोयोटा आर सुजुकी, सम टोयोटा आर सुजुकी, ओनली टोयोटा आर टाटा, इसको कैसे बनाते हैं, ओनली काटना है, ऑल लगाना है, उल्टा पढ़ना है, ऑल टाटा आर टोयोटा, ऑल टाटा ये टोयोटा था, ठीक है, टोयो लिख देते हैं इसको, ओयो नहीं है ये, टोयो है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तो सम टोयो आर सुजुकी, ओनली टोयो आर टाटा, तो ओनली टोयो आर टाटा को उल्टा पढ़ेंगे तो ऑल टाटा आर टोयो, तो ऑल टाटा आर टोयो, ये खुद ना कहीं जाएगा ना किसी को आने देगा। अब क्या बोल रहे, नो सुजुकी इज ऑडी, कोई भी सुजुकी जो है वो ऑडी नहीं होगा। सम टोयोटा आर नॉट ऑडी, बोल रहा है थोड़ा सा टोयोटा जो है वो ऑडी नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है। कैसे, ये वाला जो टोयोटा का पोर्शन है ये ऑडी में नहीं जा सकता, ठीक, एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं होता। सम सुजुकी आर टाटा इज अ पॉसिबिलिटी, क्या थोड़ा सा सुजुकी टाटा हो सकता है? नहीं हो सकता, ये किसी को अपने पास नहीं आने देगा, ओनली वन इसका आंसर बन रहा है सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट बनाइए। देखते कौन पहले बनाता है। गुरुदेव मेंस का कब स्टार्ट करेंगे ऐप में? हे प्रभु कैसे कर दे रहे हो यार। आयुष राज जी, मेंस का तो करीब एक डेढ़ महीने से मेंस की क्लासेस चल रही है ऐप पे, आप सो रहे थे क्या?
चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, स्टार्ट किया जाए। देखिए जिनसे नहीं बन रहा है ना, रेगुलर रहा करिए, आप लोग क्लास में धीरे धीरे सीख जाओगे। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, 6% ए बी सी डी ई एफ आर पेइंग देयर क्रेडिट कार्ड मिनिमम ड्यू इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर 1 इज संडे एंड अक्टूबर 7 इज सैटरडे। तो सैटरडे संडे से स्टार्ट हो रहा है भाई, संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये पूरा पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं थी, एस एम टी डब्ल्यू टी एफ एस ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है। अब मैंने लिख दिया था तो पूरा ही लिख दिया। अब देखिए क्या बोल रहा है यहां पर, बी इज पेइंग द ड्यू ऑन ट्यूजडे, नो वन पेज अ ड्यू ऑन वन ऑफ द डेज, मतलब किसी एक जगह पे खाली होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या बोल रहा है, बी इज पेइंग द ड्यू ऑन ट्यूजडे, बी जो है वो ट्यूजडे के दिन पे करता है, यहां बी आ गया। ई इज पेइंग द ड्यू ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर बी, ई जो है वो बी के पहले है, मतलब ई यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, टू पर्सन आर पेइंग देयर ड्यूज बिफोर बी एंड डी, बी और डी के पहले टू पर्सन आर पेइंग देयर ड्यूज बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में दो लोग अपने ड्यूज पे करते हैं। ये दो लोग हैं, दो दिन है, ऐसा नहीं बोल रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन पेइंग देयर ड्यूज बिफोर ई इज सेम एज आफ्टर सी, ई के पहले जितने होंगे उतने ही सी के बाद में होंगे। नंबर ऑफ पर्सन जो पे कर रहे हैं, ठीक है, पर्सन की बात हो रही है। सी डज नॉट पे द ड्यू ऑन फ्राइडे, सी जो है वो फ्राइडे के दिन ड्यू पे नहीं करता। नो डे इज वैकेंट इन द फर्स्ट टू डेज ऑफ द मंथ, फर्स्ट टू डेज ऑफ द मंथ में वैकेंट नहीं है, ये दोनों ही वैकेंट नहीं होगा, ठीक है। मतलब वैकेंट जो भी होगा वो यहीं कहीं पर आ सकता है, ये वैकेंट यहां पर नहीं आ सकता। द नंबर ऑफ डेज बिटवीन एफ एंड ए इज सेम एज बिटवीन एफ एंड डी, ऐसी कंडीशन कभी भी दिखती है तो जो कॉमन होता है वो एग्जैक्ट बीच में आ जाता है बाकी दोनों के, तो ए और डी के एग्जैक्ट बीच में एफ आ जाएगा, ठीक है। और इसमें डेज की बात हो रही है। अब देखो बी से दो छोड़कर अगर आप डी को रखना चाहते हो तो दो पॉसिबिलिटी यहां पर क्या बनती है कि बी से दो छोड़कर डी या तो यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों पर्सन हैं और यहां वैकेंट नहीं हो सकता, मतलब ये वैकेंट हो जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी जो बनती है वो भी बना देता हूं, ये देखो बी से डी यहां पर हो जाएगा। एसी चालू हो गया, एक सेकंड दोस्तों, गर्मी में हालत खराब हो गई थी। तो देखो अब क्या करना है यहां पर, देखो डी एफ ए रखना है, ये वाली को अभी छोड़ दो, क्यों, क्योंकि इसमें तीनों में किसी एक जगह पे वैकेंट हो सकता है, अभी हमको पता नहीं है, पहले इस वाले को चेक कर लेते हैं। डी एफ ए, डी एफ ए हो सकता है, डी एफ ए ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब क्या बच गया हमारे पास, सी और ई ऑब्लिक हो जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है सी, अच्छा सी और ई के लिए ये वाली कंडीशन ही गलत हो गई ना इसमें, तो ये तो गलत हो गया, इसको तो छोड़ ही देते हैं। अब यहां पर देखो एक चीज और क्या कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं ना, तो अगर मैं सी के बाद में एक पर्सन तो ई के पहले एक पर्सन, ठीक है। ई को अगर मैं यहां पर लेता हूं, अगर मैं ई को यहां पर लेता हूं, गलत हो जाएगा ना यार ये भी, रुक जाओ, डी से दो छोड़कर अगर मैं एफ को यहां पर लेता हूं, फिर दो छोड़कर ए को यहां पर लेता हूं, ये देखो डी से दो छोड़कर एफ यहां, दो छोड़कर ए यहां, दो और दो, डी एफ ए, डी एफ ए, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब उसके बाद ई के लिए यही वाली जगह बचेगी, और कहीं नहीं रख सकते। ई के ऊपर अगर एक पर्सन है तो सी के बाद भी एक पर्सन होना चाहिए, सी अगर यहां नहीं होगा तो सी यहां होगा, और सी के बाद एक पर्सन दिख रहा है तो ये वैकेंट हो गया, ये सॉल्व हो गया। तो बी और डी के बीच में दो है ना, तीन नहीं, तो भाई तीन कहाँ, तो दो ही तो है ना, ये देखो बी और डी के बीच में एक ये है और एक ये है, दो ही तो है, यहाँ कोई थोड़ी ना, ये तो वैकेंट है ना। इसी में तो गलती करते हैं ज़्यादातर लोग वैकेंट वाले में, आप ये गलती मत करिए। आपको क्या बोला है, बी और डी वाली कंडीशन में देखो, टू पर्सन आर पेइंग देयर ड्यूज बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में दो लोग ड्यूज पे करते हैं, तो भाई एक ये पे करता है एक ये पे करता है, ये थोड़ी पे करता है, ये तो वैकेंट है ना, तो दो ही लोग तो हुए ना बीच में। ए ई बी एफ सी वैकेंट डी, ए ई बी एफ सी वैकेंट डी, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए। दो पॉसिबिलिटी आ रही है, किस चीज की दो पॉसिबिलिटी आ रही है अभी? ईएबीएफ वैकेंट डीसी, तो गलत हो गया ना, यूनोमी गलत हो गया आपका भाई। बी और डी के बीच में दो लोग ड्यूज पे करते हैं, बट आपके हिसाब से सिर्फ एफ पे कर रहा है। आप अपने आंसर को देखिए, बी और डी के बीच में सिर्फ एफ पे कर रहा है अपना ड्यू, दूसरा पर्सन कहाँ गया? सर आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तब आपके मॉक में कैसे मार्क्स आते थे? मेरे मॉक में मार्क्स अच्छे आते थे क्योंकि मुझे प्रीलिम्स में प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम थी, रीजनिंग में तो फुल आते थे। अच्छे मार्क्स, अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर फिर कैसे दो दो सब्जेक्ट में अच्छे नहीं थे फिर भी मार्क्स कैसे अच्छे आते थे? तो रीजनिंग में ही 35 आ जाते थे, मैथ्स में लगभग 20-20 तक आ जाते थे, तो 35-20-45 तो ऐसे ही हो जाते थे मेरे। और उस टाइम के लेवल भी मॉक के थोड़े इजी हुआ करते थे, घुमावदार क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे, सिंपल डीआई के भी क्वेश्चन सिंपल सिंपल आया करते थे। प्रियंका जी, आरआरबी स्केल 3 का आप अगर 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में तभी आप स्केल 3। हाँ, तो उसका कोई कोर्स नहीं है, रीजनिंग और मैथ्स जो रहता है बिल्कुल सेम रहता है, बाकी की चीज़ें आपको 5 साल में एक्सपीरियंस हो ही गया होगा। मैथ्स और रीजनिंग पूरा सेम रहता है, जैसा स्केल 1 का पेपर होता है बिल्कुल वैसा ही स्केल 2 स्केल 3 का पेपर होता है, सिर्फ वो जो जीए वाला पोर्शन होता है वो चेंज हो जाता है, बाकी मैथ्स रीजनिंग हिंदी इंग्लिश वो सब सेम रहता है। स्टार्ट करें, डन के मैसेज आ रहे हैं काफी लोगों के, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 8% ए डी एफ एच जे एम ओ एंड आर आर सिटिंग इन अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर, 4% आर सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द टेबल एंड 4% आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो यहाँ दोस्तों हम थ्रेड मेथड का यूज करेंगे, स्क्वायर टेबल बोला है तो हम स्क्वायर डब्बा उब्बा नहीं बनाना है आपको, ठीक है? आप इमेजिन करिए कि ये अगर ऐसा बॉक्स है, स्क्वायर है, इसको ओपन कर दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, जैसे कि ये स्क्वायर है, इसकी ये लाइन को ऐसे नीचे गिरा दो, इस लाइन को ऐसे ऊपर उठा दो पहले, और फिर ये दोनों लाइन को ऐसे नीचे गिरा दो, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा इमेजिन कर लो तो कि एक लाइन में पूरे के पूरे लोग आ जाएंगे, तो बस हमको यही करना होता है, सिंपल एक लाइन बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? अब क्या बोल रहे हैं, 4% आर सिटिंग इन मिडिल ऑफ द टेबल एंड 4% सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, और सारे के सारे कहाँ पर देख रहे हैं? सेंटर की तरफ देख रहे हैं, मतलब डायरेक्शन सभी का सेम होगा, तो अभी डायरेक्शन नहीं बनाना है हमको, वो बाद में देखेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, ओनली 2% आर सिटिंग बिटवीन ए एंड जे, ए और जे के बीच में दो लोग बैठते हैं, जे हु सिट्स इन द मिडिल ऑफ द टेबल, जे जो है ये मिड पे बैठा हुआ है, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे इज फेसिंग द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। तो आपको बोल रहा है द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, जे के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी बैठा होगा, तो यहां पर हम कर सकते हैं जे, ये देखो ये जे बना सकते हैं ऐसा, जे के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी बैठा होगा, तो ये बंदा बैठा है जे के इमीडिएट लेफ्ट में। वैसे अभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, पहले कंडीशन पढ़ लेना था पूरा। कभी भी दोस्तों क्वेश्चन को ना बीच में स्टार्ट मत किया करो, पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। अभी एक कमेंट भी आ रहा था थोड़ी देर पहले कि सर मैं क्वेश्चन में पूरी कंडीशन नोट नहीं करके मैं पहले ही स्टार्ट,
ऐसा करना क्यों गलत है मैं बता रहा हूँ। आपके 5 में से हो सकता है 3 क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे मतलब स्टार्ट करके बनाने से, लेकिन जहाँ फंसोगे ना वहाँ बहुत गंदा फंस जाओगे। तो इसलिए पहले पूरी कंडीशन को नोट कर लिया करो या पढ़ लिया करो, उसके बाद ही स्टार्ट किया करो। क्या होता है, मान लो मैं इस कंडीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, पर ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये बेस्ट कंडीशन हो इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए। अभी मैंने आगे पढ़ा ही नहीं है, हो सकता है इसके बाद कोई ऐसी कंडीशन मिल जाए जिससे क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाए। तो इसीलिए कहीं भी बीच से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, मैं भी नहीं करता इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। द वन हु सिट्स इमिडिएट, ये वाली लाइन को बाद में देखेंगे। एच इज एडजेसेंट टू नीदर ओ नॉर डी, एच जो है वो ओ और डी के एडजेसेंट में नहीं होना चाहिए। एच सिट्स ईदर इमिडिएट राइट और इमिडिएट लेफ्ट ऑफ ए, एच जो है वो या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा। उसके बाद बोल रहा है आर सिट ऑपोजिट टू द वन हु सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड टू लेफ्ट में जो भी है आर इसके ऑपोजिट में बैठता है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ओ एंड डी, ओ और डी के बीच में एक पर्सन बैठता है। एम इज एडजेसेंट टू नीदर ओ नॉर एफ, एम जो है वो ओ और एफ का नेबर नहीं होना चाहिए। तो यही कंडीशन है जिससे हमको अब स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, वैसे ये वाली भी कंडीशन है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो, तो चलो इसको बना लेते हैं। तो जे को मैंने यहां पर लिया था, अब इस वाली लाइन को देखो क्या बोला था यहां पर। द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे इज फेसिंग, तो 8 लोगों के अरेंजमेंट में फेसिंग का मतलब क्या होता है, आमने सामने, मतलब बीच में 3 लोग, 8 लोगों में बीच में 3 होते हैं तो आमने सामने हो जाते हैं। तो बोला जे के इमीडिएट लेफ्ट वाला फेस कर रहा है, फेस कर रहा है मतलब 3 छोड़कर जो भी बंदा है मतलब इसको देख रहा है। ठीक है, फेसिंग, अब यहां पढ़ लो इसको, फेसिंग द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो ये बंदा एफ के इमीडिएट राइट में है मतलब एफ यहां पर आएगा। एफ के इमीडिएट राइट में जो बंदा है उसको जे के इमीडिएट लेफ्ट वाला फेस कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में 3 लोग दिख रहे हैं हमको। ठीक है, अब देखो ये एफ से तीसरा पर्सन आर को फेस कर रहा है, तो एफ से 1 2 तीसरा पर्सन ये आर को फेस कर रहा है, तो आर को फेस कर रहा है मतलब 3 छोड़कर आर यहां पर आ जाएगा। ठीक, ये वाली कंडीशन हो गई। अब देखो आपको पता है जे से 2 छोड़कर ए लेना था, जे से 2 छोड़कर ए यहां पर नहीं ले सकते, तो जे से 2 छोड़कर ए यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और क्या बच गया अब हमारे पास, ए के बगल में एच रखना है। ठीक है, अगर ए के बगल में मैं एच को यहां पर रखता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर ए के बगल में ये देखो एच रखना था ना, अगर मैं एच को यहां पर रखूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, ओ से 1 छोड़कर डी के लिए हमारे पास सिर्फ ये वाली जगह बच रही है ओ और डी के लिए, तो एम यहां पर आ जाएगा। अब देखो एम के बगल में, एम के बगल में ओ नहीं होना चाहिए, अगर एम के बगल में ओ नहीं होना चाहिए तो ओ यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा। चेक करो भाई एक बार, सही है क्या, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही है। एम के बगल में एफ और ओ नहीं है, ठीक है, एच के बगल में ओ और डी नहीं है, ये भी ठीक है, ओ से 1 छोड़कर डी, बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर, सभी का सेम आ रहा है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों थ्रेड मेथड। ये मेथड अप्रॉक्स मान के चलिए कि कोविड का जब समय चल रहा था तब मैंने ये इसको इन्वेंट किया था कि भाई इस तरीके से पजल्स को बहुत जल्दी से बनाया जा सकता है। तो आप इसको अगर नहीं सीखे हैं तो सीखना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएंगे फटाफट। एच ए एम डी जे ओ एफ आर, एच ए एम डी जे ओ एफ आर, बिल्कुल सही है। चलिए इनइक्वालिटी फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, इसे इजी तो स्क्वायर बना के होता है सर। संदीप जी अभी हलवा क्वेश्चन है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ना, अगर यही मैं मेंस वाला दे दूंगा आपको तो हालत खराब हो जाएगी स्क्वायर बना के करने में। किसी भी ट्रिक का जो यूज होता है ना वो जब हार्ड क्वेश्चन आता है तब समझ में आता है कि उस ट्रिक की अहमियत क्या है। जैसे कि आप लोगों ने मैजिक बॉक्स ट्रिक तो देखी होगी कोडेड इनइक्वालिटी की, तो जब छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे तो उसको हम कन्वर्ट करके भी बना लेते थे, पर आजकल जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं बिना मैजिक बॉक्स ट्रिक के अगर आप उसको बनाने जाओगे तो एक क्वेश्चन बनाने में ही आपको कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे, और वही मैजिक बॉक्स से वो 1 मिनट के अंदर बन जाता है। इसीलिए फर्क है, फर्क है, फर्क है।
चलिए बनाते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे गेट मेथड विथ डोरमेट कंसेप्ट। जिसको नहीं आता है दोस्तों, आप लोग सर्च करके यूट्यूब पे क्लास मिल जाएगी, इनइक्वालिटी बाय अंकुश लांबा लिखोगे पूरी क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप अगर पेड कोर्स में है तो वहां पर भी आप लोगों को इसका पूरा कंप्लीट दो क्लासेस मिल जाएंगी। तो इसमें हम यूज करेंगे डोरमेट कंसेप्ट विथ गेट मेथड, ठीक है। गेट मेथड तो सभी ने सुना होगा, डोरमेट वाला मैंने इसमें एक नया चीज बनाया था, वो उससे आपको बहुत आसानी होती है क्वेश्चन को बनाने में। तो यहां पर देखिए क्या करना है, डी को यू तक जाना है ऐसे, और कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। तो डी से यू तक आप देखो यहां पर कैसे जा सकते हैं भाई, डी से एफ तक जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एफ से बी तक जा सकते हैं, फिर बी से ऐसे यू तक जा सकते हैं, दरवाजा खुला हुआ इधर भी, तो ये ट्रू हो गया। एक्स को वी तक जाना है, हर दरवाजे पे डोरमेट लगा होना चाहिए। मतलब जब आप एक्स से वी के घर तक जाओगे तो दरवाजे खुले तो होने ही चाहिए, साथ में हर दरवाजे के नीचे ये ऐसे डोरमेट लगा होना चाहिए। तो देखते हैं भाई, एक्स से वी तक, एक्स से वी तक तो कैसे जाएंगे, एक्स से वी तक ये देखो, एक्स से एन तक गए, यहां भी डोरमेट है, यहां भी डोरमेट है। अब एन से वी तक जाना है, तो एन से जब आप वी तक जाओगे तो ये देखो इसके नीचे डोरमेट नहीं है, मतलब गलत हो गया। इसके नीचे डोरमेट नहीं है मतलब गलत हो गया। इसमें देखो 25 से जाना है 31 तक, तो 25 से 31 तक जाना है, तो देख लेते हैं भाई यहां पर कैसे जा सकते हैं 25 से 31 तक। 25 से पहले जाएंगे 22 तक, फिर 22 से जाएंगे हम 11 तक ऐसे, तो ये देखो यहां पर ये दरवाजा बंद हो गया, ये 15 के बाद इधर देखो दरवाजा बंद है, नहीं जा सकते आगे। इसमें देखो 93 से 15 तक जाना है, 93 से 15 तक जाना है आपको, तो 93 से 15 तक जाना है, कैसे जाओगे, 93 से पहले गए 22 तक, 22 से गए यहाँ पर 15 तक। अब यहाँ देखो हर जगह पे डोरमेट होना चाहिए था नीचे, इस वाली जगह पे देखो डोरमेट नहीं दिख रहा है मतलब गलत हो गया, इधर भी डोरमेट नहीं दिख रहा है मतलब गलत हो गया। तो नीदर नॉर बनेगा सेकंड वाले का, बनेगा नीदर नॉर, ठीक है। लास्ट वाले को देखते हैं दोस्तों, पी से ए तक जाना है, अगर P से A तक जाना है तो कैसे जा सकते हैं भाई, यहाँ पर देखो इसमें कॉमन क्या है, D कॉमन है ना, तो P से पहले हम जाते हैं O T F तक, उसके बाद दरवाज़ा बंद है तो नहीं जा पाओगे, देखो दरवाजा ही बंद हो गया ना, आगे जा ही नहीं पा रहा है। M को W तक जाना है, तो M को W तक जाना है तो कैसे जाएगा, M से ये देखो M से ये D तक चला जाएगा ऐसे, M से Y, Y से D, दरवाजे खुले हुए हैं दोनों जगह, फिर D से W जाना है, तो ये देखो ये पहुंच गया W, तो ओनली टू फॉलो इसका आंसर बनेगा। ये दोनों को बनाइए जल्दी से सर, फास्ट कीजिए, फास्ट करें चाहे स्लो करें, 100 क्वेश्चन पूरे होंगे, हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप 10:30 बजे वैसे भी मेरी क्लास रहती है पेड क्लास, तो उससे पहले मैं कर ही दूंगा, ये 30 क्वेश्चन तो हो ही गए हैं, 70 क्वेश्चन और बचे हैं, हो जाएंगे। इधर और एक्सप्लेन कर दे, देखो इधर और कब होता है, जब दोनों लेटर सेम होते हैं, जैसे कि यहां पर देखो एन पी एन पी, दोनों लेटर सेम है, तो पहली कंडीशन इधर और की क्या होती है, लेटर्स सेम होने चाहिए, ठीक है, जैसे एन पी एन पी, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज क्या होती है कि रॉन्ग होना चाहिए, ये भी रॉन्ग होना चाहिए, ये भी रॉन्ग होना चाहिए, ठीक, पहले चेक करना पड़ेगा रॉन्ग है कि नहीं है, तो दोनों चेक करना पड़ेगा। तीसरा फिर क्या होता है, तीसरा होता है ये मैजिक बॉक्स, ठीक है, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। अब तीसरा क्या होता है, इन दोनों के बीच के जो सिंबल हैं वो सिंबल ऐसे, ये सेंटर कॉर्नर या फिर ये वाला सेंटर कॉर्नर या फिर डायगनल ऑपोजिट, ये वाला ऐसे या फिर ये वाला अगर दिख रहे हैं तो इधर और होगा। तो यहां पर देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ना इनको सेम करना पड़ेगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है एन और पी, तो इस वाले n को भी इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू p। अब चेक करो इनके बीच में जो सिंबल हैं, ये और ये है, मैंने कौन कौन से बताए थे सिंबल, ये दोनों या फिर ये दोनों, तो हमको दिख रहे हैं क्या, वो नहीं दिख रहे, मतलब इधर और नहीं होगा इसमें, अगर होता तो इधर और हो जाता, अगर गलत होते तो है ना, तो पहले तो चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं, तो यहां पर तो ये हो गया, एन से जाना है पी तक, तो एन से पी तक कैसे जाएंगे, तो एन से जाएंगे पहले टी तक, फिर टी से जाएंगे ई तक, सारे दरवाजे खुले हैं, फिर ई से जाएंगे पी तक, ये हो गया ट्रू। तो अगर एन से पी तक ग्रेटर देन ट्रू है तो ये वाला गलत हो जाएगा, ओनली वन आंसर आएगा,
सभी का आ रहा है ओनली वन। सेकंड वाला देखेंगे, एल से जाना है एस तक, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, तो एल से जाना है एस तक, देखते हैं भाई कैसे जा सकता है। एल से क्यू जा सकते हैं, फिर क्यू से कहाँ जाएंगे, ऐसे करते हैं इसको, एल से पी लेके चले जाते हैं और फिर P से S तक लेके चले जाते हैं ऐसा। पर आपको क्या चाहिए था, हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए था, यहां भी डोरमेट नहीं है, यहां भी डोरमेट नहीं है, गलत हो गया। अब इस वाले को देखो, X को जाना है K तक, हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए, ये जो नीचे लाइन लगी होती है इसका मतलब है डोरमेट, हर जगह डोरमेट होना ही चाहिए, तो X को K तक लेकर जाना है, तो X K तक कैसे जाएगा, X जाएगा Q तक, पर ये दरवाजा खुला ही नहीं है, मतलब गलत हो गया। तो नीदर आ रहा है सभी का, गलत आ रहा है ना दोनों, ये देखो नीदर कंक्लूजन वन नॉट टू। चलिए जल्दी से बनाइए दोस्तों, डन डन डना डन। और किसी का नहीं हुआ, सात आठ लोगों का आया है बस, डन। सर 100 क्वेश्चन सारा पजल होंगे क्या, आप अभी आए हो क्या नितिन जी, क्योंकि सिलॉजिज्म भी करवाया हूँ मैं पहले और इनइक्वालिटी भी करवा चुका हूँ, अप्रॉक्स 12 पजल होंगे, बाकी सारे मिसलेनियस है। देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, 8 पर्सन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग ऑन द रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, 3 ऑफ देम सिट ऑन द ईच लॉन्गर साइड वेयर वन ऑफ द वेयर वन ऑफ देम सिट ऑन ईच शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो 8 लोग बैठे हैं दोस्तों, यहाँ पर ना थ्रेड मेथड बनाने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो चलो आज सीख लो, ध्यान से ध्यान देना इधर, एक 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 दो तीन एक दो तीन, ऐसा है इसको अगर आप थ्रेड मेथड में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, एक लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब शॉर्टर वाले के बीच में देखो, 3 और 3 आपको दिख रहे हैं, मतलब 3 3 बीच में दिख रहे हैं, आमने सामने हो गए शॉर्टर वाले। आप शॉर्टर पहले डिसाइड कर लो, मान लेते हैं ये शॉर्टर साइड है, ठीक है, ये शॉर्टर साइड से 3 छोड़कर फिर ये शॉर्टर साइड है, ठीक है, ये शॉर्टर साइड के बीच में 3 3 है ना, देखो इधर से भी देखोगे तो 3 छोड़कर फिर शॉर्टर साइड आ रहा है, इधर से देखोगे तो ये 3 छोड़कर फिर शॉर्टर साइड आ रहा है, इतना क्लियर है। ये दोनों आमने सामने है, मतलब बोल सकते हैं कि ये दोनों का ऐसे पेयर है आमने सामने का। अब एक चीज को ध्यान दो, इस शॉर्टर साइड से जस्ट बगल बगल में जो है वो आमने सामने है, तो ये देखो ये शॉर्टर साइड है, जस्ट बगल बगल में जो है वो आमने सामने है, फिर उसके जस्ट बगल बगल में जो है वो भी आमने सामने है, तो बोल सकते हैं ये वाला जो है
ये भी आमने सामने है, फिर उसके जस्ट अगल बगल में जो है वो भी आमने सामने है, तो बोल सकते हैं ये वाला जो है ये भी आमने सामने है। ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये सब बनाना नहीं होता एग्जाम में, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जितनी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखोगे उतना फास्ट आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, वी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ यू, वी जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है यू से, बोथ आर सिटिंग ऑन द लॉन्गर साइड, दोनों के दोनों लॉन्गर साइड पे हैं, लॉन्गर साइड। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 2% सिट बिटवीन यू एंड पी, यू और पी के बीच में दो लोग बैठते हैं, पी डज नॉट सिट ऑन द शॉर्टर साइड, पी जो है वो लॉन्गर साइड पे होगा। आर एंड पी आर इमीडिएट नेबर्स, आर और पी जो है वो इमीडिएट नेबर हैं, तो आर इसके बगल में आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन वी एंड आर, वी और आर के बीच में जितने भी लोग बैठे हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन इन बिटवीन यू एंड क्यू, ये सेम होना चाहिए। वेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ वी एंड क्यू, तो वी और क्यू के लेफ्ट से काउंट करना है, तो हम इसको ऐसा करते हैं, ऐसा लिख लो भाई, वी से लेफ्ट में आर तक, यू क्यू से लेफ्ट में यू तक, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओ सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ टी, ओ जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है टी से, टी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू यू, टी जो है ये यू के एडजेसेंट में नहीं होना चाहिए। अब देखो इस वाले की दो पॉसिबिलिटी बनती है, कौन सी दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये तीनों के तीनों लॉन्गर साइड पे होंगे, तो ये देखो यहां पर ये तीन आप बना सकते हो, या फिर क्या हो सकता है कि यू जो है वो यहां पर हो, एक छोड़कर इधर आ जाए वी, ये वाली भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो एक एक करके बनाते हैं, मैं पहले ये वाले को बना लेता हूं, यू अगर मैं यहां रख रहा हूं, ठीक है, तो यू से एक छोड़कर वी यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। अब देखो यू से दो छोड़कर आपको पी लेना है, यू से दो छोड़कर पी दोनों तरफ से ले सकते हो, तो एक एक करके उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो यू से दो छोड़कर अगर पी को यहां पर लेते हो, ठीक है, तो पी के बगल में आर रखना है, पी लॉन्गर साइड में होना चाहिए था, पी यहाँ शॉर्टर साइड में आ गया, मतलब गलत है, तो गलत है, तो इसको पी को यहाँ पर नहीं रख सकते। यू से उस तरफ जाओ ऐसे, एक दो छोड़कर पी आ गया यहाँ पर, ठीक है, अब पी लॉन्गर साइड पे आ चुका है। और क्या है भाई, अब देखो पी के बगल में आर रखना है, तो पी के बगल में अगर आर रखना है आपको, तो पी के बगल में आर के लिए ये दो जगह दिख रही है आपको, अगर आर को यहाँ रखोगे तो देखो वी से आर कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है, तो बोल सकते हैं क्यू से यू भी एक दिखना चाहिए आपको, तो Q से U एक दिखना चाहिए, तो ये देखो Q को यहाँ रखोगे, Q से एक छोड़कर U, Q से एक छोड़कर यहाँ आ गया U, ये वाली कंडीशन सही हो गई। अब देखो आपको पता है U के बगल में T नहीं होना चाहिए, तो U के इधर T नहीं हो सकता, U के इस तरफ यहाँ पर T नहीं हो सकता, तो T यहाँ पर आ जाएगा। अब T से O रख पाओगे क्या, ये देखो O नहीं रख पा रहे, गलत हो गया, गलत हो गया मतलब जो हमने P रखा था वो गलत रखा था, ये सॉरी R जो रखा था वो गलत रखा था, वापस जाते हैं आप, एग्जाम में वापस नहीं जा सकते, आपको काट के साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो P से अब R को इस तरफ लेते हैं, अब क्या हो गया भाई, ये देखो V से R तक, देखो V से R तक तीन लोग हैं, तो Q से U तक तीन लोग होने चाहिए, तो Q से U तक तीन लोग होने चाहिए, मतलब कि Q यहाँ पर आ जाएगा, एक दो तीन छोड़कर ये U, ठीक है। और क्या बच गया अब हमारे पास, U के बगल में T नहीं है, तो T यहाँ पर आ जाएगा, अभी भी गलत हो रहा है, तो अब वो वाली पॉसिबिलिटी को ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कौन सी पॉसिबिलिटी को चेंज करेंगे, अब ये वाली जो लॉन्गर वाली पॉसिबिलिटी हमने शुरुआत में ली थी ना, उसको ही पूरा चेंज करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। पूरा लॉन्गर साइड पे मैंने ले लिया था ना इसको, यू से एक छोड़कर वी, अब यहां पर ले लेते हैं, यू से एक छोड़कर ये हो गया वी, ठीक है, दोनों लॉन्गर साइड पे दिख रहे हैं आपको, यू से दो छोड़कर पी लेना है जो कि शॉर्टर साइड नहीं होना चाहिए, तो यू से एक दो छोड़कर यहां शॉर्टर साइड है पी, इसलिए यू से एक दो छोड़कर पी यहां पर आ जाएगा। P के बगल में R रखना है, इधर R नहीं रख सकते, तो R यहाँ पर आ जाएगा। V से R तक एक पर्सन दिख रहा है, तो Q से एक छोड़कर U होना चाहिए, तो Q यहाँ पर आ जाएगा। U के बगल में T नहीं होना चाहिए, तो T यहाँ पर आ जाएगा। T के लेफ्ट में एक छोड़कर O होना चाहिए, तो O यहाँ पर आ जाएगा। तो बचा क्या है आपके पास, जो भी बचा उसको यहाँ रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सही है। सेम आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो जल्दी से। नाम क्या बचा था, नाम कुछ दिया हुआ है क्या यहाँ पर, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है।
चलिए चेक करते हैं दोस्तों इसको, तो टी और एस जो है ये शॉर्टर साइड पे है, देख लेते हैं भाई टी और एस, ये देखो टी और एस शॉर्टर साइड पे है, अब बाकी का चेक कर लेते हैं। तो टी के बाद आर पी वी, टी के बाद आर पी वी, एस के बाद यू ओ क्यू, एस के बाद यू ओ क्यू, बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए। चलिए डन के मैसेज तो आ रहे हैं काफ़ी लोगों के, स्टार्ट किया जाए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 6% MNOPQR आर सिटिंग इन द लीनियर रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, दे लाइक डिफरेंट एनिमल्स लायन पिग टाइगर डॉग जेब्रा एंड कैट बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो कहाँ बैठे हैं इन लोग, एक लीनियर रो पे नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अब बोल रहे एन सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक डॉग, एन जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठता है जिसको डॉग पसंद है। ओ सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक डॉग, ओ सिट्स इमीडिएट राइट, तो ओ जो है इसके इमीडिएट राइट में है। ओनली 1% सिट बिटवीन ओ एंड एम, ओ और एम के बीच में 1% है ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द वन हु लाइक जेब्रा सिट्स एडजेसेंट टू एम, जेब्रा जो है वो एम के एडजेसेंट है, तो बोल सकते हैं जेब्रा की या तो इधर एम होगा या तो इधर एम होगा, तो जेब्रा की इस एम के इस तरफ ही जेब्रा होना चाहिए, कंफर्म हो जाएगा इसको देखकर। फिर क्या बोल रहा है, पी लाइक्स लायन, पी को लायन पसंद है, सिट्स एडजेसेंट टू द वन हु लाइक टाइगर, ये टाइगर वाले के एडजेसेंट है ठीक है। द वन हु लाइक्स टाइगर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, द वन हु लाइक्स टाइगर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट में टाइगर बैठता है, तो इसको यहीं पर बना लेते हैं ऐसे, आर के इमीडिएट लेफ्ट में टाइगर है। फिर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ आर इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक कैट, तो ऐसी कंडीशन कभी भी दिखती है, पेयर बनता है इसके लेफ्ट में जितने, उसके लेफ्ट में उसके राइट में उतने, ऐसी कंडीशन में हमेशा पेयर बनेगा, तो आर और कैट का पेयर बन जाएगा, आर और कैट का पेयर बनेगा। पेयर होता क्या है, ये पेयर है, ये पेयर है और ये पेयर है ठीक है। अब इस वाली कंडीशन को बनाते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं ओ को यहाँ पर रखता हूँ तो ओ के जस्ट बगल यहाँ पर डॉग आ जाएगा, ओ से एक छोड़कर एम लेना है तो एक छोड़कर एम यहाँ पर आ जाएगा, डॉग से दो छोड़कर एन, तो डॉग से एक दो छोड़कर एन यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया।
ये हो गया। एम के बगल में जेब्रा होना चाहिए, एम के इधर जेब्रा नहीं हो सकता, तो जेब्रा यहां पर हो जाएगा। ठीक है, और क्या बच गया अब हमारे पास? पी लायन है, तो पी लायन के लिए हमारे पास कौन सी जगह दिख रही है? इस पूरे जगह पे देखो, पूरा दोनों चीजें खाली, सिर्फ यही वाली है पी लायन, तो टाइगर यहां पर आ जाएगा। तो बोल सकते हैं पी लायन, टाइगर जस्ट इसके बगल में, और टाइगर की इधर आर। तो आर का पेयर किसके साथ था? कैट के साथ था, तो आर का पेयर कैट के साथ, मतलब कैट यहां। जो जो बच गया उसको यहां रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चेक कर लो एक बार, सही है? सही है ना? क्या बच गया? एम एन ओ पी क्यू आर और पीक बचा हुआ है। पी एन आर एम क्यू ओ, पी एन आर एम क्यू ओ, लायन टाइगर जेब्रा कैट, लायन टाइगर जेब्रा कैट, डॉग और पिग, डॉग और पिग। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए सिलॉजिज्म बनाइए फटाफट। टू पॉसिबिलिटीज था, कैसे? दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है एक बार बता दो तो। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक बार देख लेते हैं। कोई बोल रहा है यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी कैसे बन रही है? आपका ये कहना है क्या कि ओ को यहाँ पर लेकर भी बन रहा है, ऐसा बोल रहे हो क्या? एक बार देख लेते हैं। ओ के बगल में डॉग, डॉग से दो छोड़कर एन, ओ से एक छोड़कर एम, एम के बगल में जेब्रा, पी लायन कहाँ बनेगा भाई? पी लायन को अभी यहाँ रखोगे तो फिर टाइगर कहाँ जाएगा? पी लायन रख भी दोगे, टाइगर आ भी जाएगा, तो टाइगर की फिर राइट में आर भी आना चाहिए ना, वो पॉसिबल नहीं है ना, गलत हो जाएगा। एक ही पॉसिबिलिटी है, कुछ ना कुछ आप गलती की हो, एक बार चेक करिएगा। देखो क्या बोल रहा है, ऑल गुड्स इज टैक्स, ऑल गुड्स इज टैक्स, ओनली अ फ्यू टैक्स इज प्राइस, ओनली अ फ्यू टैक्स इज प्राइस, सम प्राइस इज हाई, थोड़ा सा प्राइस जो है ये हाई है। ऑल प्राइस कैन बी टैक्स, क्या पूरा प्राइस जो है वो टैक्स हो सकता है? तो मैंने क्या बताया था, ओनली अ फ्यू वाले केस में पहला वाला दूसरे के अंदर पूरा का पूरा नहीं जा सकता, पर दूसरा वाला पहले के अंदर पूरा का पूरा जा सकता है। तो यहां पर देखो टैक्स जो है, टैक्स जो है, ऑल प्राइस कैन बी टैक्स, पूरा प्राइस टैक्स के अंदर जा सकता है क्या? हाँ जा सकता है, बिना चेक किए भी आप बोल सकते हो ये चीज। सम हाई इज गुड, सम हाई इज गुड, आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा मतलब गलत। तो ओनली वन बनेगा पहले वाले का। दूसरे को देखो, सम राइज इज हिंदी, सम राइज इज हिंदी, ऑल राइज इज टैक्स, पूरा राइज जो है ये टैक्स है, ओनली अ फ्यू टैक्स इज प्राइस। अब हो रहा है ऑल टैक्स कैन बी प्राइस, क्या पूरा टैक्स जो है वो प्राइस हो सकता है? पूरा टैक्स जो है वो प्राइस हो सकता है? नहीं हो सकता। ओनली अ फ्यू के केस में पहला वाला दूसरे में पूरा नहीं जा सकता, तो ऑल टैक्स कैन बी प्राइस नहीं हो सकता। ऑल प्राइस कैन बी टैक्स, क्या पूरा प्राइस टैक्स हो सकता है? हाँ हो सकता है।
ओनली टू बन रहा है इसमें। तीसरे वाले को देखो, नो इंग्लिश इज उर्दू, कोई भी इंग्लिश जो है ये उर्दू नहीं है। सम उर्दू आर संस्कृत, थोड़े से उर्दू जो है ये संस्कृत है। ओनली संस्कृत आर हिस्ट्री, इसको कैसे बनाते हैं, ओनली काटो, ऑल लिखो, उल्टा पढ़ो। ऑल हिस्ट्री आर संस्कृत, ऑल हिस्ट्री आर संस्कृत, पूरा हिस्ट्री जो है संस्कृत है, और इसमें ऐसे मार्किंग बना दो। ये ना खुद कहीं जाएगा ना किसी को अपने पास आने देगा। नो हिस्ट्री इज इंग्लिश, कोई भी हिस्ट्री जो है वो इंग्लिश नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कहीं भी नहीं जाता। ऑल संस्कृत बीइंग उर्दू, पूरा संस्कृत उर्दू में जा सकता है क्या, नहीं, इतना पोर्शन नहीं जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, तो ओनली वन इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए क्या बोल रहे, सम रेड आर वाइट, सम रेड आर वाइट, थोड़े से रेड जो है ये वाइट है। ऑल वाइट आर ब्लू, पूरे वाइट जो है ये ब्लू है। सम ब्लू आर ब्लैक, थोड़े से ब्लू जो है वो ब्लैक है। अब बोल रहे नो रेड आर ब्लैक, कोई भी रेड जो है वो ब्लैक नहीं है, गलत, कोई भी इनके बीच में ऐसा क्रॉस का साइन नहीं है। सम रेड आर ब्लू, थोड़े से रेड आपको ब्लू दिख रहे हैं, ओनली टू इसका आंसर बनेगा। एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं होता। सम पर्पल आर सियान, सम पर्पल आर सियान, एवरी पर्पल, एवरी मतलब ऑल होता है, ठीक है, तो ऑल पर्पल आर एज्यूर, पूरा पर्पल जो है ये एज्यूर है। सम एज्यूर आर येलो, थोड़ा सा एज्यूर जो है ये येलो है। अब बोल रहा है कंक्लूजन में सम पर्पल आर येलो, थोड़ा सा पर्पल आपको येलो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं होता। सम एज्यूर आर सियान, थोड़ा सा एज्यूर आपको सियान दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो ओनली टू इसका आंसर बनेगा। तो दोनों में ही ओनली टू आ रहा है, ये देखो ओनली टू, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाइए फटाफट, एकदम जोश के साथ जल्दी फटाफट सॉल्व होना चाहिए। ऑलरेडी 1.25 घंटे होने वाले हैं क्लास चालू हुए, जोश बढ़ाओ थोड़ा सा, पूरे 100 क्वेश्चन करने ही हैं। ये नहीं होना चाहिए कि 80-85 पर जाकर क्लास खत्म हुई, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइए। कितने क्वेश्चन हो गए सर? अरे मोनू जी कैसे कर दे रहे हो यार, ऊपर देखो ना क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, 45 हो चुके हैं, 46 से 50 का ये क्वेश्चन है। पजल को हम 5 क्वेश्चन काउंट करके चल रहे हैं, इसके क्वेश्चंस बना नहीं रहे हैं अपन, सिर्फ पजल सॉल्व कर रहे हैं, बट उसको काउंटिंग 5 करके चल रहे हैं। सर मैं आज लेट हो गया हूँ। हाँ जी मोनू जी, आज क्लास 8 बजे से स्टार्ट हुई है। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन क्लास के मैं इसी में देता हूँ। कल रात को मैंने इस पर अपडेट कर दिया था कि 100 बेस्ट 100 क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, तो क्लास सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये @bankers10 टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे क्लासेस के।
सर ये IBPS क्लर्क के लिए है क्या? यश नहीं, ये IBPS RRB PO और क्लर्क के लिए है। RRB में ऐसे ही सवाल आते हैं, पूरे के पूरे पजल सॉल्व हो जाते हैं। 40 में एटलीस्ट 35 क्वेश्चन तो कर ही लोगे आप लोग 25 मिनट में। सर अगर आप बैंक नहीं छोड़े होते तो आप आज कौन से पोस्ट पे होते? SCDS एस्पिरेंट, ये मैंने बताया हुआ है। अगर मैं बैंक नहीं छोड़ा होता तो मैं ये चीज़ बता चुका हूँ कुछ क्लासेस पहले कि मैं और मेरा फ्रेंड जो दोनों साथ में ज्वाइन किए थे, एक साथ एक ही दिन ज्वाइन किए थे, एक ही मतलब हम लोगों ने फ्लैट लिया हुआ था, वहीं रहते थे हम, तो वो आज भी जॉब कर रहा है RRB PO में। तो RRB PO मतलब उसने ज्वाइन किया था, अब उसका स्केल 2 हो चुका है और अप्रॉक्स सैलरी 1 लाख पहुँच चुकी है, 1 लाख से ज़्यादा ही है वैसे तो। तो अगर मैं नहीं छोड़ा होता तो मेरी भी सैलरी आज 1 लाख के आसपास होती। चलिए बनाते हैं दोस्तों, डन के मैसेज आ रहे हैं काफी लोगों के। 12% OPQRSTUVWXYZ स्टैंडिंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेक्सागोनल प्लेटफॉर्म सच दैट 6% आर स्टैंडिंग ऑन द कॉर्नर एंड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर व्हाइल 6% आर स्टैंडिंग ऑन द साइड्स एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर बट नॉट नेसेसली इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक एनक्लोज्ड एरिया वाला फिगर है, मतलब कि हम थ्रेड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या बोला है, 12 लोग हैं यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा यहाँ पर ऐसे लाइन बना लो, इसमें 12 लोग बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको बोल रहा है यहाँ पर कि 6% आर स्टैंडिंग ऑन कॉर्नर एंड फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो 6 लोग जो हैं ये कॉर्नर पर बैठते हैं, कॉर्नर पर बैठते हैं और ये अवे यानी कि आउटसाइड देखते हैं, और 6 जो मिड पर बैठेंगे वो इनसाइड देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अगर हेक्सागोन हम बनाते तो ये कुछ ऐसा बनता। ठीक है, फिर इसमें क्या बनाते हम, ऐसे करके बनाते 12 लोग। ध्यान से समझिएगा भाई, थ्रेड मेथड सीखना है तो इसमें क्या बोल रहा है, कॉर्नर वाले आउटसाइड, मतलब ये आउटसाइड है तो ये इनसाइड है, फिर ये आउटसाइड है तो ये इनसाइड है, फिर ये आउटसाइड है तो ये इनसाइड है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेट डायरेक्शन फॉलो हो रहा है, अल्टरनेट डायरेक्शन फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप बना सकते हो ऐसा, एक ऊपर एक नीचे, 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 एक ऊपर और एक नीचे। अभी कौन सा कॉर्नर है, कौन सा मिड है, कौन आउटसाइड है, ऊपर आउटसाइड है कि इनसाइड है, नीचे आउटसाइड है कि इनसाइड है, अभी हमको नहीं पता, वो अपने आप क्वेश्चन में पता चल जाएगा। W स्टैंड फोर्थ टू राइट ऑफ S, हु इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ V। तो यहां पर बनाना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, W स्टैंड फोर्थ टू राइट ऑफ S, हु इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ V। तो V को कहीं पर भी बना लो, तो ये देखो V को मैंने यहां रख दिया, कहीं भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो V के थर्ड टू लेफ्ट में कौन है, S है, तो V के फर्स्ट सेकंड थर्ड टू लेफ्ट में S है। उसके बाद क्या बोला था, W स्टैंड फोर्थ टू राइट ऑफ S, तो S के फोर्थ टू राइट, तो देखो नीचे देख रहा है, राइट किधर होगा, 1, 2, 3, 4 यहां पर हो गया W। अब क्या बोल रहा है, Y स्टैंड सेकंड टू राइट ऑफ V, Y जो है इसके सेकंड टू राइट में है, तो 1, 2 ये हो गया Y। फिर क्या बोल रहा है, V who is 3% away from P, V जो है ये 3% away है P से, तो हम बोल सकते हैं V से 3 छोड़कर P यहां पर भी आ सकता है, V से 1, 2, 3 छोड़कर P यहां पर भी आ सकता है। अब हो रहा है, T stands to the immediate left of P, T जो है वो P के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो T जो है वो P के इमीडिएट लेफ्ट में ऐसा हो जाएगा। उसके बाद एंड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू X, एंड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू X, तो ये जो T है ये ऑपोजिट है X से। अब देखो 12 लोगों के, 8 लोगों के अरेंजमेंट का तो आपको पता ही है कि 8 लोगों के अरेंजमेंट में अगर आमने सामने या ऑपोजिट बोल रहा है तो बीच में 3 लोग आते हैं, अगर 12 लोगों का है तो क्या हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, जो नए स्टूडेंट से याद रखिएगा, N/2-1। ठीक है, वैसे तो याद होना चाहिए 12 लोगों में टोटल कितने होते हैं, 5 लोग होते हैं बीच में आमने सामने में, बट ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप अगर कभी भूल गए इन केस। तो 12 / 2 6 आएगा, 6 में माइनस 1 करोगे तो 5, तो अगर आमने सामने की बात कर रहे हैं मतलब 5 लोग होने चाहिए। अब एक एक करके पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, अगर पी को मैं यहां पर मानता हूं, ठीक, तो अगर मैं पी को यहां पर मानूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके जस्ट इधर टी हो जाएगा, यानी यहां पर टी हो जाएगा। अब टी के सामने एक्स, मतलब 5 लोग छोड़कर एक्स चाहिए, तो यहां से देखो 1, 2, 3, 4, 5 छोड़कर एक्स यहां आएगा, ये पॉसिबल है। दूसरा इस वाले को देखते हैं, अगर मैं पी को यहां पर लेता हूं इस वाली जगह पे, तो पी के इमीडिएट लेफ्ट यानी कि यहां पर आ जाएगा टी,
पी के लेफ्ट में टी यहां पर आ जाएगा। टी से देखो एक दो तीन चार पांच छोड़कर यहां एक्स रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते, मतलब ये गलत है, ये वाला सही था। पी लेफ्ट में टी, टी से एक दो तीन चार पांच छोड़कर एक्स, ये सही है बिल्कुल। अब क्या बोल रहा है, जेड फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर एंड इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू। जेड जो है वो इमीडिएट राइट में है यू से और ये इनसाइड फेस करता है, सेंटर मतलब इनसाइड फेस करता है। ओ स्टैंड सेकंड टू राइट ऑफ आर, ओ जो है वो सेकंड टू राइट में है आर से। एंड थर्ड टू राइट ऑफ क्यू, और ओ जो है वो थर्ड टू राइट में है क्यू से। फिर क्या बोल रहा है, क्यू हु डज नॉट स्टैंड एडजेसेंट टू जेड, क्यू जो है ये जेड के एडजेसेंट में नहीं होना चाहिए। अब देखो ये क्यू वाली कंडीशन को देखते हैं। अच्छा यू जेड को भी आप ले सकते हो पहले, तो नहीं यू जेड को रहने देते हैं, इसी को लेते हैं पहले। क्यू ओ वाली कंडीशन देखते हैं, क्यू को यहां रखोगे तो दो छोड़कर ओ हो सकता है क्या? दो छोड़कर ओ नहीं हो पाएगा। क्यू यहां लोगे दो छोड़कर ओ हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्यू यहां लोगे दो छोड़कर ओ हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्यू यहां लोगे तो दो छोड़कर ओ हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो एक ही जगह बचती है ये वाली, ये भी तो गलत हो रही है यार, क्या गलत हो रहा है, कुछ रॉन्ग कर दिया क्या, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, रुक जाओ मैं ध्यान नहीं दे यार। W स्टैंड फोर्थ टू राइट ऑफ S, W जो है वो फोर्थ टू राइट में है S से, वन टू थ्री फोर, ठीक है। S हुई थर्ड टू लेफ्ट ऑफ V, S जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ V, Y स्टैंड सेकंड टू राइट ऑफ V, Y जो है वो V के सेकंड टू राइट में है। V हुई थ्री पर्सन अवे फ्रॉम P, V, अच्छा ये वाला मैंने गलत कर दिया ना, थोड़ा पीछे चलते हैं चलो। ये P की पोजीशन मैंने गलत रख दी है, तो P T X इस लाइन को फिर से एक बार देख लेते हैं, ये मैंने गलत कर दिया था। क्या लिखा था यहाँ पर देखो, T V who is three person away from P, three person बोला था, बीच में तीन लोग नहीं बोला था। V who is three person away from P, तो V देखो V से एक दो तीन यहाँ P नहीं आ सकता ना, तो V से एक दो तीन यहाँ पर P आ जाएगा। अब P के लेफ्ट में T लेना है तो P के लेफ्ट में इधर घूम के आ जाओ, यहाँ पर T हो जाएगा। टी के सामने एक्स मतलब टी से एक दो तीन चार पाँच छोड़कर यहाँ पर एक्स आ जाएगा। अब ये वाली कंडीशन को देखो, क्यू और ओ वाली, क्यू यहाँ रखोगे दो छोड़कर ओ नहीं हो पाएगा, क्यू यहाँ रखोगे दो छोड़कर ओ नहीं हो पाएगा, क्यू यहाँ रखोगे दो छोड़कर ओ हो जाएगा, क्यू यहाँ रखोगे दो छोड़कर ओ हो जाएगा। क्यू और ओ के लिए ये वाली जगह दिख रही है हमको, ठीक है, क्यू और ओ के लिए ये दो जगह दिख रही है। इसके अलावा देखो यू और जेड के लिए हमारे पास ये वाली जगह है, यू और जेड के लिए। तो बचा क्या हमारे पास, यू जेड यहां पर आ जाएंगे, क्यू ओ यहां पर आ जाएगा, तो R बच रहा है, R को यहां पर रख लेते हैं। अब देखो R से एक छोड़कर राइट में O था, R से एक छोड़कर O हो गया, O यहां आ गया तो Q यहां आ गया। अब Q के बगल में देखो Z नहीं होना चाहिए, तो Z यहां आ गया तो U यहां आ गया। क्वेश्चन सॉल्व, वो एक छोटा सा गलती हो गई थी, मिस्टेक, ईजी था ये, हलवा क्वेश्चन था। अब देखो यहां पर आप लोगों को एक चीज पता थी ना, जेड इनसाइड फेस कर रहा है, तो अगर जेड इनसाइड फेस कर रहा है तो यहां पर देख लो भाई, जेड ऊपर देख रहा है मतलब ऊपर इनसाइड है, नीचे आउटसाइड है। ठीक है, तो चेक करते हैं भाई, टी डब्ल्यू जेड यू क्यू एस, टी डब्ल्यू जेड यू क्यू एस, एक्स ओ वी आर वाई पी, एक्स ओ वी आर वाई पी, बिल्कुल सही है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए। सर रेक्टेंगल में दो पर्सन सीट ऑन लॉन्गर साइड एंड वन पर्सन सीट कॉर्नर वाले केस में भी थ्रेड मेथड से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं रवि जी, बिल्कुल कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आने तक रुक जाते, इतना क्या जल्दी थी पार्टी करने की?
अंकुश जी, तब तक ना ये जितने सिलेक्शन हुए हैं ना अभी, वो सब गायब हो जाते हैं। वो SBI क्लर्क का कोई फिक्स डेट तो है नहीं कभी कब आएगा, कभी कभार 5-5, 6-6 महीने बाद आता है। तब तक ये सारे स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग हो जाती है, एक बार ज्वाइनिंग हो जाती तो फिर उसके बाद ये आ नहीं पाते, सब अलग अलग जगह पोस्ट हो जाते। हर साल हम इसी टाइम पे करेंगे, जो 1 तारीख को रिज़ल्ट आता है, उसके बाद जो भी नेक्स्ट संडे होगा अगले साल भी होगी ये चीज़। मेन्यू क्या था? कैसे कर दे रहे हो यार? मॉकटेल्स में थे ऑरेंज ब्लॉसम, ब्लू वेलवेट, स्ट्रॉबेरी डिलाइट, कीवी डिलाइट। सॉफ्ट ड्रिंक में कोला, स्प्राइट, लिमका ऑरेंज। स्टार्टर में पनीर टिक्का, तंदूरी चाप, हरा भरा कबाब, वर्मीसिली रोल, अचारी आलू, पोटली समोसा। चाइनीज स्टार्टर में पनीर चिल्ली, वेज मंचूरियन, स्प्रिंग रोल, फ्रेंच फ्राइज। और बताना है कि मुंह में पानी आ गया। आलू टिक्की चाट, गोलगप्पा, दही भल्ला, पापड़ी चाट। बस कर दें, अरे अभी तो मेन कोर्स बाकी है। हाका नूडल, मंचूरियन, ग्रेवी वाला। जल्दी सिलेक्शन लो, अगली बार आप लोग भी आओ, मिलकर खाएंगे। चलिए, डन के मैसेज आ रहे हैं, स्टार्ट करें। सभी का हो गया? देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, 8 kids ZYXWVUT and S आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर मैट टू प्ले अ गेम। सर्कल है तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे भाई, थ्रेड मेथड का यूज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर उसके बाद बोल रहा है दैट 4 आर फेसिंग इनवर्ड डायरेक्शन एंड अदर 4 आर फेसिंग आउटवर्ड डायरेक्शन। नो 2 kids हु आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब इसमें आपको ये बोल दिया है कि साथ में बैठे वाले लोग सेम डायरेक्शन फेस नहीं करते, मतलब अल्टरनेट डायरेक्शन है। एक ऊपर देख रहा है तो एक नीचे देख रहा है, एक ऊपर देख रहा है तो एक नीचे देख रहा है, फिर एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, इसके बाद आ गया क्या बोल रहा है, वाई इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ यू हु इज फेसिंग इनसाइड। वाई इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ यू हु इज फेसिंग इनसाइड। तो इसको बना सकते हैं क्या? बना तो सकते हैं, पर अभी रहने देते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है 4 kids आर सिटिंग बिटवीन जेड एंड एक्स। जेड और एक्स के बीच में 4 लोग हैं। जेड एंड एक्स आर नॉट फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। उसके बाद बोल रहा है नीदर एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड। एक्स जो है वो जेड का नेबर नहीं होगा, तो ये तो वैसे ही पता है भैया, नहीं होगा। एक्स एंड वी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। एक्स और वी जो है ये सेम डायरेक्शन है। V is not an immediate neighbor of Y. V जो है वो Y का neighbor नहीं है। S is sitting fifth to left of V. S जो है वो fifth to left में है V से। कहां से बनाए? U को अगर मैं यहां पर लेता हूं तो 2 छोड़कर Y आ जाएगा यहां पर। Y के बगल में V नहीं होना चाहिए, मतलब V इन दोनों जगह पे नहीं आएगा।
तो V से चार छोड़कर ये वाली कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है। U इनसाइड फेस कर रहा है, मतलब ऊपर इनसाइड है, नीचे आउटसाइड है। अब V से चार छोड़कर S रखना है। अगर मैं V को यहाँ रखता हूँ तो एक दो तीन चार छोड़कर नहीं हो पाएगा। यहाँ V को यहाँ रखता हूँ तो एक दो तीन चार छोड़कर नहीं हो पाएगा। यहाँ रख नहीं सकते, यहाँ रख नहीं सकते, यहाँ रख नहीं सकते। तो ये जगह है, ये जगह, ये दो जगह दिख रही है V के लिए, ठीक है। अगर V को यहाँ रखोगे तो एक दो तीन चार छोड़कर आ सकता है। V को यहाँ रखोगे तो एक दो तीन चार छोड़कर आ सकता है। तो चेक करते हैं एक एक पॉसिबिलिटी। अगर V को यहाँ रखोगे तो लेफ्ट की तरफ में, अच्छा लेफ्ट जाना है ना यार, तो एक दो तीन चार यहाँ पर हो जाएगा S। यहाँ रखते तो एक दो तीन चार S यहाँ आ जाता, ठीक है। X और V का डायरेक्शन सेम है ना, X और V का डायरेक्शन अगर सेम है तो हम बोल सकते हैं कि अगर V नीचे देख रहा है तो X भी नीचे देखेगा, मतलब या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। फिर क्या पता है X से चार छोड़कर Z है, अगर X को यहाँ रखोगे तो एक दो तीन चार छोड़कर Z नहीं आ पाएगा। X से दूसरी तरफ से जाएंगे तो एक दो तीन चार छोड़कर Z यहाँ पर आ सकता है। तो Z तो यहीं आएगा, चाहे X को इधर लो चाहे इधर लो, काउंट करके देख लो आप लोग, चाहे X को यहाँ लो चाहे X को यहाँ लो, Z तो यहीं आएगा। X और Z का डिफरेंट डायरेक्शन है, ठीक है, डिफरेंट आ रहा है। क्या बच गया अब, किस टाइप का क्वेश्चन है यार ये। वाई सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ यू, यू हु इज फेसिंग इन साइड, फोर किड्स आर सिटिंग बिटवीन जेड एंड एक्स। जेड एंड एक्स आर नॉट फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, नीदर एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है दोस्तों, कुछ मिसिंग है, एक लाइन मिसिंग है, उस वजह से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इतना सॉल्व हुआ है, इसको छोड़ देते हैं यहीं पर, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। चलिए कोडिंग डिकोडिंग फटाफट बनाइए दोस्तों। हाँ, एक्स जेड जिसके एडजेसेंट नहीं बैठे हैं वो वाली कंडीशन मिसिंग है, मुझे भी वही लग रहा था। yesofficer.com पर जाकर ले सकते हो पल्लव जी। दोस्तों जो भी एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है ये कोड याद रखिए AL10। इस कोड को लगाकर आप मेरी रीजनिंग की सारी क्लासेस, DI की सारी क्लासेस, कंप्यूटर की सारी क्लासेस ये पूरा का पूरा एक्सेस कर सकते हो। पिछले जितनी भी क्लासेस हो चुकी है और पूरे अगले एक साल में जो भी क्लासेस होंगी वो सारा आप देख सकते हो अंकुश लांबा एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लेकर, जिसका प्राइस है 2499। इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और कंप्लीट सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, GK, कंप्यूटर, सब कुछ पूरा सब्सक्रिप्शन, तो उसका प्राइस है 5499 एक साल का। और इस पे अभी आप लोगों को कोड लगाना है सफलता दिवस 25, 25% का ऑफर चालू हो चुका है आज से। सफलता दिवस हम लोगों ने संडे को सेलिब्रेट किया था उन स्टूडेंट्स के साथ जो सिलेक्ट हो चुके हैं बैंक में, तो उसी के उपलक्ष्य पर ये ऑफर हमने दिया है नए स्टूडेंट्स को, ताकि वो भी अगले साल सिलेक्शन ले सकें।
एक्सक्लूसिव टू प्रीमियम का कोड मेरे ख्याल से वो है इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ, रुक जाओ, क्लास में बता दूंगा, जो क्लास होती है ना 10:30 बजे पेड क्लास होती है, पेड क्लास के अंदर बता दूंगा मैं। चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों। इसको बनाने का एक सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया हुआ है, एकदम शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड। तो करना क्या होता है, आप, मैं जितना भी टाइम लूंगा उसको आधा कर देना, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे जितना भी समय लगेगा उसको हाफ कर देना, और यहाँ पर मैं टाइमर लगा के भी दिखा देता हूँ कि कितना समय लगता है सॉल्व करने में। ऐसे ही समय बर्बाद हो जाता है। True is always false. We are always late. True, late, false, gone. We went late. A, B, X, Y. PSTL CY PS DX LT AB TL EX LT GT CY LT ये निकल गए सारे कोड। AB TL ये दोनों का हो जाएगा AB TL PS XY, ये हो गया CY DX LT EX और GT। कितना समय लगा देखो, 1:30। अगर मुझे 1:30 लगा सॉल्व करने में, तो आपको कितना लगना चाहिए उससे और हाफ। चलो 1 मिनट मान लेते हैं, 30 सेकंड हटा देते हैं, ठीक है? तो 1 मिनट में ये सॉल्व हो जाता है, पूरे के पूरे कोड निकल जाते हैं। इसके बाद आप बिल्कुल इसके आसानी से सारे के सारे आंसर मार्क कर सकते हो। तो देखते हैं भाई कौन कौन से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कोड फॉर लेट। लेट का कोड क्या बना है भाई, यहाँ पर देखो लेट का कोड बना है LT, तो यहाँ पर हो जाएगा LT, ये वाला इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कोड फॉर ट्रू। ट्रू का कोड क्या बना है, यहाँ पर देखो ट्रू का कोड जो है वो ईदर और में है फॉल्स के साथ, AB और TL। तो AB और TL मतलब कि AB और TL तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप नहीं बता सकते कौन सा कोड है। Which of the following can be the code of you always gone? You always gone, देखो भाई यहाँ पर क्या है, always का पता है और gone का पता है, you का नहीं पता। तो PS और EX तो होना ही होना है, PS और EX तो होना ही होना है, PS EX। इसके साथ में एक ऐसी चीज़ चाहिए जो you के लिए कोड बन जाएगा, ठीक है? तो अब ऐसी चीज़ चाहिए तो PS EX इसमें भी है, PS EX इसमें भी है, PS EX इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब PS EX के साथ इसमें कौन सी चीज़ है, LT तो किसी और चीज़ का कोड था, तो ये भी नहीं हो सकता। GT भी किसी का कोड था, यहाँ पर देख लो भाई GT किसी का कोड तो था, ये देखो GT, तो ये GT भी नहीं हो सकता। ON कहीं पर दिख रहा है क्या आपको, ON किसी का कोड दिख रहा था क्या, नहीं दिख रहा था, तो हम मान सकते हैं कि वो U का कोड हो सकता है, तो ये वाला आपका आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कोड ऑफ इज। इज का कोड क्या है, तो यहां पर देखिए इज का कोड क्या दिख रहा है, XY, तो ये XY इसका आंसर बन गया। इसको देखो वी फॉल्स ट्री मीन CB, ये बताना है कि बना लोगे, बता देता हूं इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि दिक्कत आती है कुछ लोगों को। देखो क्या बोल रहा है, वी फॉल्स ट्री का मतलब जो है CY AB AT, वी फॉल्स ट्री। तो वी फॉल्स ट्री का देखो भाई आपको यहां पर पता है, वी का पता है CY, ठीक है, फॉल्स का ABTL में से कोई एक होने वाला है, ए बी हो जाएगा इसका फॉल्स का, और वी का तो पता है CY, तो ट्री का कोड क्या, AT जो बच गया वही होगा। अब आपसे पूछ रहे ट्री ऑलवेज ट्रू, तो भाई ट्री का कोड यहां से पता चल गया AT, ऑलवेज ट्रू आपको देखना है। तो भाई देखो अगर AB जो है, अगर AB फॉल्स का बन गया, तो जो बच गया इसमें देखो AB और TL, तो अगर AB फॉल्स का बन गया, जो TL बचा है वो ट्रू का हो जाएगा, तो जो TL बचा था वो ट्रू का हो जाएगा। ऑलवेज का कोड देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है ऑलवेज का, तो ऑलवेज का ये देखो PS दिया हुआ है,
तो ATTLPS कहां पर दिख रहा है, देखो ATTLPS ये देखो, ये दिख रहा है, ये आपका आंसर बन गया, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर टेस्ट। देखिए क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में, इसको बंद करते हैं पहले, तो ये डिस्टर्ब कर रहा है, भाग यहां से। इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, पहले और आखिरी डिजिट को अगर हम ईच नंबर में इंटरचेंज कर दें, मतलब इसको ऐसे इंटरचेंज कर देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मिडिल डिजिट ऑफ द फोर्थ लोएस्ट नंबर। देखिए किसी भी नंबर को हम कैसे डिसाइड करते हैं कि वो लोएस्ट है या हाइएस्ट है, हम उसके पहले डिजिट से डिसाइड करते हैं। तो अब अगर ये और ये इंटरचेंज होने वाला है, मतलब ये इसका फर्स्ट डिजिट बनने वाला है, तो आप इससे डिसाइड कर लो कि कौन सा फोर्थ लोएस्ट होगा। तो ये देखो लोएस्ट, ये लोएस्ट हो गया, ये सेकंड लोएस्ट हो गया, ये थर्ड लोएस्ट और ये फोर्थ लोएस्ट। तो इन दोनों में आपको चेक करना पड़ेगा कि थर्ड और फोर्थ कौन सा होगा। तो चेंज करके देख लो इसको, 675 और 612, तो ये थर्ड लोएस्ट हो गया, ये फोर्थ लोएस्ट हो गया, ठीक है। तो फोर्थ लोएस्ट का मिडिल नंबर क्या है, 7 है, यहाँ पर 7 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कोई सी लिख रहा था, सी क्यों लिख रहे थे भाई। इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ सेकंड डिजिट ऑफ द फोर्थ हाईएस्ट नंबर। तो फोर्थ हाईएस्ट नंबर देखना है हमको, फोर्थ हाईएस्ट, ये हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है, ये थर्ड हाईएस्ट है, ये फोर्थ हाईएस्ट है। फोर्थ हाईएस्ट का आपको क्या बोल रहा है, सेकंड डिजिट का स्क्वायर, सेकंड डिजिट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। नेक्स्ट, दोनों को बनाना है ना, दोनों दोनों बनाइए। देखिए क्या बोल रहा है, इफ ऑल द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय 2, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ लोएस्ट नंबर। अगर सारे ही नंबर को डबल कर रहे हैं तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है भाई, इसको डबल करोगे तो ये भी तो डबल हो गया ना, तो ये छोटा था तो ये छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो जब सारे नंबर को सेम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो या सारे नंबर्स में कुछ सेम नंबर ऐड या माइनस कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए आपको फोर्थ लोएस्ट नंबर अगर देखना है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, टोटल कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ये देखो ये सबसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट और ये फिफ्थ हाईएस्ट। तो अगर लोएस्ट की बात करता है, लोएस्ट हम कैसे बनाते हैं भाई, लोएस्ट देखो ध्यान देना ना, लोएस्ट कैसे बनाएंगे, ये लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, फोर्थ लोएस्ट, फिफ्थ लोएस्ट। तो जो फोर्थ लोएस्ट है वो सेकंड हाईएस्ट भी तो होगा, सेकंड हाईएस्ट भी तो हुआ ना ये, तो फोर्थ लोएस्ट देखने से अच्छा आप सेकंड हाईएस्ट देख लो, ये हाईएस्ट था, ये सेकंड हाईएस्ट है, 834, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर क्या, इफ द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज, सेकंड थर्ड डिजिट को अगर इंटरचेंज करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट नंबर। अब थर्ड लोएस्ट नंबर देखना है तो भाई थर्ड लोएस्ट देखो चाहे थर्ड हाईएस्ट देखो, तो भाई थर्ड लोएस्ट थर्ड हाईएस्ट कैसे देखेंगे, देखो इससे देखेंगे, ये हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है, ये थर्ड हाईएस्ट है, और इसका ये चेंज होने वाला है ऐसा। तो आपसे क्या पूछा है,
सेकेंड डिजिट, तो इसमें सेकेंड डिजिट क्या बन गया, 6, ये आपका आंसर। क्यूब ऑफ लास्ट डिजिट सेकेंड हाईएस्ट, ये हाईएस्ट है, ये सेकेंड हाईएस्ट है, लास्ट डिजिट का क्यूब बताना है। 4 × 16 × 64, ये आपका आंसर, खत्म। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए फटाफट। प्रज्ञा जी, एक्सक्लूसिव टू प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन, एक मिनट रुको मैं पूछ के बता रहा हूं। एक्सक्लूसिव टू प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन कोड जो है वो है YES50। अगर आपके पास निमिषा मैम का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है या फिर आशीष सर का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है और आप पूरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं सारे टीचर्स का, तो YES50 लगाओगे 50% डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं क्या, एक बार देख लेते हैं। नहीं अभी तक तो नहीं आ रहे। ये कोड नहीं लग रहा, क्या बात कर रहे हो, एक मिनट को चेक करने दो। ये कोड सिर्फ उसी आईडी में लगेगा जिसमें सब्सक्रिप्शन है, आप दूसरी ईमेल आईडी से लोगे तो नहीं होगा। जिनके पास सब्सक्रिप्शन है सिर्फ उन्हीं को ये कोड अप्लाई हो पाएगा। एक और है ये वाला, इसको भी लगा के देख लीजिएगा, होली लीडर के मैसेज आ रहे हैं। प्रज्ञा जी फिर आप ना एक बार कॉल कर लीजिएगा, जो सपोर्ट टीम है ना उनको कॉल करके बात कर लीजिए, कुछ इशू होगा शायद इसलिए नहीं हो रहा होगा। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, 11 पीपल HIJKLMNOPQR आर विजिटिंग द मॉल वन आफ्टर अनदर बट नॉट नेसेसली इन द सेम ऑर्डर। तो 11 लोग एक के बाद एक मॉल जाते हैं। 2 पीपल विजिट बिटवीन M एंड O, M और O के बीच में 2 लोग विजिट करते हैं। O who visit adjacent to Q, मतलब ऊपर या तो नीचे Q होगा। 3 people visit between J and K, J और K के बीच में 3 लोग हैं। K who visit immediately before O। 4 people visit between H and Q, 1, 2, 3, 4। Only 1 person visits between R and H। The number of people visits after R is double, after R is double is double, the number of people visits before M, M के पहले जितने हैं उससे डबल R के नीचे होंगे। M who visits before Q, M जो है वो Q के पहले जाता है, तो यहाँ लिख सकते हैं Q से पहले M जाता है। उसके बाद
आई विजिट सेकेंड फ्रॉम द लास्ट, आई जो है वो सेकेंड फ्रॉम द लास्ट है, आई ये सेकेंड फ्रॉम द लास्ट है, सेकेंड लास्ट लिख देते हैं यहाँ पर, टू पर्सन विजिट बिटवीन आई एंड पी, आई और पी के बीच में दो लोग हैं, नीदर एल नॉर के इज एडजेसेंट टू एन, एल और के एडजेसेंट टू एन दोनों ही नहीं है, एच डज नॉट विजिट जस्ट बिफोर एम, एच जो है ये एम के जस्ट पहले नहीं होना चाहिए। चलो तो बनाते हैं इसको। अब देखो आपको क्या पता है, यहाँ पर नंबरिंग कर लें क्या जरूरत है, आई से पी, पी से कुछ और है क्या सेट, आई लास्ट सेकेंड रखोगे, आई से पी रखोगे, फिर क्या रखोगे, कुछ नहीं रख सकते फिर तो ऐसी बनाते हैं। चलो डॉट मेथड का यूज करेंगे। तो यहां पर देखो ओ को रखेंगे सबसे पहले, ठीक है, ओ से दो छोड़कर एम रखना है, ऊपर की तरफ होगा 100% कंफर्म। क्यों कंफर्म भाई, क्योंकि आपको बोला ना क्यू से ऊपर एम होना चाहिए, क्यू यहां रखोगे तो भी एम ऊपर, क्यू यहां रखोगे तो भी एम ऊपर। अब देखो ओ के जस्ट ऊपर के है, फिर उसके बाद देखो अब इसकी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, एक बार ये देखो ओ के ऊपर अगर के हो गया तो ओ के नीचे क्यू हो जाएगा, तो ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। क्यू से चार छोड़कर एच रखना है जो कि एम के ऊपर नहीं है, तो क्यू से एक दो तीन चार छोड़कर एच यहां एम के ऊपर नहीं रख सकते, तो क्यू से एक दो तीन चार छोड़कर एच यहां पर रख देंगे, ये वाली कंडीशन हो गई। अब उसके बाद देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस लोग हो चुके हैं, तो हमको टोटल 11 चाहिए थे, डॉट मेथड का यूज़ करेंगे, तो एक जो पर्सन होगा वो या तो नीचे होगा या तो ऊपर होगा, ठीक है। अब M के ऊपर कम से कम एक तो होना चाहिए, क्योंकि भाई जीरो होगा तो जीरो का डबल तो कुछ होता नहीं है, भाई जीरो का डबल क्या होता है, कुछ नहीं होता ना, तो इसलिए M के ऊपर कम से कम एक होना चाहिए, तो यहीं पर हमको लेना पड़ेगा ये पर्सन को, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो M के ऊपर एक है तो R के नीचे दो होंगे, तो R के नीचे दो, ये R के नीचे दो हो गए, तो R और H के बीच में एक हो गया। फिर K से तीन छोड़कर J रखना था, तो K से एक दो तीन छोड़कर कोई जगह नहीं है, K से एक दो तीन छोड़कर यहाँ पर J हो गया, ये कंडीशन हो गई। I जो है लास्ट सेकेंड है, मतलब I यहाँ पर आ जाएगा, I से दो छोड़कर P था, तो I से एक दो छोड़कर P यहाँ पर आ जाएगा। N जो है वो K के बगल में नहीं है, मतलब N यहाँ नहीं आएगा, तो N यहाँ आ जाएगा, जो बच गया यहाँ रखो, क्वेश्चन सॉल्व। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये बनेगा। तो N M L K O, N M L K O Q P J R I H, Q P J R I H बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बनाइए। SD25 का कोड कब यूज होगा, चालू हो गया है कोड। शिवम जी डेली क्लास 9 बजे होती है, आज ज़्यादा क्वेश्चंस थे, मैराथन टाइप का था, इसलिए आज 8 बजे स्टार्ट हुआ है। जिस दिन भी मुझे मैराथन लेना होगा तो मैं 8 बजे से स्टार्ट कर दूंगा, और जिस दिन नॉर्मल क्लास होगी तो 9 बजे। तो कैसे पता चलेगा, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, @bankers10, @bankers10 नीचे लिंक भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लो, अंकुश लांबा के नाम से दिख जाएगा चैनल, 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं इस पर। बैंकिंग क्रॉनिकल वाला भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें अप्रॉक्स 2-2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उसका लिंक है @bankingchronicleyt, थोड़ा लंबा लिंक है वो। प्रज्ञा जी अवेलेबल है ये कोड, अगर नहीं है तो एक्टिव हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, क्लास खत्म होने के बाद मैं इसको एक्टिवेट करवा दूंगा, आप ले लेना उसके बाद।
चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। सेवन प्लेयर्स आर यू वी डी टी ई एंड एस गो टू प्लेग्राउंड फॉर प्रैक्टिस बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। तो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब क्या बोल रहा है आगे, यहाँ पर सभी अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पर जाकर, डिफरेंट स्पोर्ट्स बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द वन हु प्लेज स्विमिंग goes just after the one who plays archery. Archery के just बाद में swimming वाला आना चाहिए। फिर बोल रहा है we does not go on Thursday. We जो है वो Thursday के दिन नहीं जाता। फिर बोल रहा है R goes just after D. R जो है वो D के just बाद में जाता है। The one who goes on Tuesday plays badminton. Tuesday वाला badminton खेलता है। तो यहाँ लिख देते हैं badminton। फिर क्या बोल रहा है, टू डेज गैप बिटवीन यू एंड ई, यू और ई के बीच में दो दिनों का गैप है। फाइव डेज गैप बिटवीन द वन हु प्लेज बॉक्सिंग एंड द वन हु प्लेज रेसलिंग। तो बॉक्सिंग फाइव, रेसलिंग। द वन हु प्लेज आर्चरी डज नॉट गो ऑन फ्राइडे, आर्चरी वाला फ्राइडे के दिन नहीं जाता, तो यहां पर आर्चरी नहीं आना चाहिए। ई गोज ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द वन हु प्लेज आर्चरी। ई जो है वो आर्चरी के जस्ट बाद जाता है, मतलब स्विमिंग वाला ई है। T goes on Wednesday, T जो है Wednesday को जाता है and plays golf, और ये golf खेलता है। R does not play boxing, R जो है ये boxing नहीं करता। The one who plays TT goes just before R, TT वाला R के just पहले, मतलब ये जो D था ये TT हो जाएगा। अब देखो हमको पता है कि बॉक्सिंग और रेसलिंग जो है वो कन्फर्म है कि इस जगह पे और इस जगह पे आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर बॉक्सिंग और रेसलिंग इस जगह पे आने वाले हैं तो आर्चरी स्विमिंग के लिए या तो ये जगह या तो ये जगह, जिसमें से ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि आर्चरी यहाँ पर आ नहीं सकता। तो इसलिए आर्चरी आ जाएगा यहाँ पर, स्विमिंग आ जाएगा यहाँ पर, स्विमिंग में है ई, ठीक है। और ई से दो छोड़कर यू था, तो ई से दो छोड़कर यू। अब देखो डी के जस्ट नीचे आर रखना है, तो यही दो जगह दिख रही है, डी के नीचे जस्ट आर। अब देखो डी जो है टीटी है, आपको पता है बॉक्सिंग जो है वो यहां आर पे नहीं आना चाहिए, तो बॉक्सिंग ऊपर आ जाएगा। पांच की गैप के बाद यहां पर आ जाएगा रेसलिंग। वी अगर यहां नहीं है तो वी यहां, जो बच गया उसको रख दो यहां, क्वेश्चन सॉल्व। तो आर यू वी डी टी ई एस, एस बचा था, एस को रख देते हैं यहाँ पर। तो वी यू टी एस ई डी आर, वी यू टी एस ई डी आर, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, गोल्फ, आर्चरी। बॉक्सिंग, बैडमिंटन, गोल्फ, आर्चरी, स्विमिंग, टी टी, रेसलिंग। स्विमिंग, टी टी, रेसलिंग, ठीक है। चलिए इनइक्वालिटी फटाफट, इसके लिए तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, एक मिनट में बना दो फटाफट। चलिए उम्मीद करता हूँ हो गया होगा अभी तक। देखिए टी से ए तक जाना है, तो टी से यहाँ पर देखो ये बीच में यहाँ पर दरवाज़ा बंद हो गया, गलत।
वाई से एस तक जाना है, डोरमेट हर जगह होना चाहिए। वाई से इधर जाओगी, दरवाजा बंद है, गलत। और देखते हैं फिर इसमें वी से एम तक जाना है, तो वी से ये देखो एम, वी से एम तक जा सकते हैं, ट्रू। टी से एम तक जाना है, टी से एम तक जा सकते हैं, ट्रू। ओ से सी तक जाना है, तो यहाँ पर देखो ओ, ओ से इधर निकल ही नहीं पाएंगे, दरवाज़ा बंद है। सी से ओ जाना है, तो सी से ये देखो यहाँ ओ तक जा सकते हैं, ट्रू। ई से एक्स जाना है, तो ई से एक्स जाना है, तो ई से ए, ए से एक्स, ट्रू। आर से एच जाना है, तो आर से ए तक जाएंगे, ए से एच तक जाएंगे, ट्रू। सिक्स से फोर तक जाना है, सिक्स से ज़ीरो तक गए, इधर फिर निकल ही नहीं पाएंगे, गलत हो गया। चार से आठ जाना है, तो चार से ज़ीरो, उसके बाद निकल नहीं पाएंगे, ये भी गलत हो गया। इधर और है क्या, एक बार देख लेते हैं इसमें, ए टी वाई एस नहीं है, इसमें देख लेते हैं, सिक्स फोर फोर एट, इसमें भी नहीं है। तो नीदर बोथ, नीदर बोथ, ओनली टू बोथ नीदर, ओनली टू बोथ नीदर, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर देते जाइए दोस्तों, ये क्लरिकल लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्लर्क में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, और इसमें समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी जल्दी बनना चाहिए। आरआरबी क्लर्क में बिल्कुल आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एकदम गोली की रफ्तार से उड़ाए जा सकते हैं एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेवेंथ अल्फाबेट टू द राइट ऑफ इलेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, इलेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह, यानी ये ग्यारह था। सेवेंथ अल्फाबेट टू द राइट, इसके सेवेंथ अल्फाबेट राइट साइड में देखना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवा, पी इसका आंसर बनेगा। सेवेंथ अल्फाबेट बोला था, कुछ लोगों ने अल्फाबेट नहीं देखा होगा और सातवा काउंट कर दिए होंगे बस, तो ये ऐसा मत कर देना भाई कि यहाँ से सातवा काउंट कर दिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ऐसा मत करना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेवेंथ अल्फाबेट बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज सिक्स टू लेफ्ट ऑफ फिफ्थ नंबर फ्रॉम द राइट एंड, फिफ्थ नंबर फ्रॉम राइट एंड, तो फिफ्थ नंबर देखो राइट साइड से कौन सा है, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये पांचवा नंबर मिल गया। उसके बाद क्या बोला है, सिक्स्थ, विच अल्फाबेट इज टू, इज द सिक्स्थ टू लेफ्ट, तो छठवा अल्फाबेट देखना है इसके लेफ्ट में, पहला अल्फाबेट, दूसरा अल्फाबेट, तीसरा अल्फाबेट, चौथा अल्फाबेट, पांचवा और ये छठवा, तो ई इसका आंसर बनेगा, नन ऑफ द अबव। देखिए क्या बोल रहा है, ऑल द नंबर्स फ्रॉम द सीरीज आर डिलीटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, नंबर को डिलीट कर देंगे तो 15वां एलिमेंट कौन सा होगा, काउंट कर लेते हैं भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये 15, तो ये आंसर बनेगा। इफ फर्स्ट 15 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड आर रिवर्स, अगर लेफ्ट साइड से 15 एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 21st एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 15th एलिमेंट कौन सा है ये देखना पड़ेगा, तो तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह तीन पंद्रह, ये आपका 15th एलिमेंट मिल गया। अब आपको क्या बोल रहा है, इनको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। 21वां एलिमेंट आपको देखना था राइट साइड से, काउंट करते हैं, तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह तीन पंद्रह तीन अट्ठारह, अट्ठारह हो गया यहाँ तक। अब अट्ठारह के बाद अब यहाँ नहीं जाओगे, अगर रिवर्स नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ से देख लो, 19, 20, 21, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो रिवर्स करने की जगह आप यहां उल्टा इस तरफ से काउंटिंग कर लो, जहां तक 15th था उसको छोड़ दो, वहां तक आ जाओ, उसके बाद फिर इधर से काउंटिंग चालू कर दो, तो पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ नंबर टू राइट ऑफ 10th अल्फाबेट फ्रॉम द राइट एंड, आंसर दीजिए फटाफट। तो यहां पर बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ नंबर टू राइट ऑफ 10th अल्फाबेट फ्रॉम द राइट एंड, 10th अल्फाबेट देखना पड़ेगा, तो पहला दूसरा
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा और ये दसवा, टेंथ अल्फाबेट मिल गया। अब फिफ्थ नंबर राइट में देखना है, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, तो फोर आपका आंसर बनेगा। टू कैसे बना दे रहे हो यार, टू कैसे बना दे रहे हो? अच्छा, ये ओ को मैंने काउंट नहीं किया, शायद ओ को मैंने काउंट नहीं किया, इसीलिए मेरा गलत हुआ है। ठीक है, तो ओ को अगर मैं काउंट करता तो ये चार के बाद एक और इधर हो जाता, क्योंकि ये टी नहीं होता, टी के बदले यहाँ वाई से देखना पड़ता। तो वाई से देखोगे तो एक नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और ये पाँचवा नंबर, टू हो जाएगा आंसर। इसमें भी फोर आ रहा है यार, इसका मतलब फिर वो ओ नहीं है, फिर वो कुछ और है, बनाने वाले ने भी गलती कर दी होगी। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए फटाफट बनाइए दोस्तों, 80 क्वेश्चंस, 85 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन और बचे हैं। 15 क्वेश्चन मतलब कि मेरे ख्याल से दो पजल होगा और पांच कुछ मिसलेनियस होगा। चलिए दोस्तों, डन के मैसेज आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है 12% सिट इन टू पैरेलल रोज इन सच अ वे दैट 6% सिट इन ईच रो, इन रो वन ई यू वी टी डब्ल्यू जेड सिट एंड ऑल ऑफ देम फेस नॉर्थ। तो यहाँ पर देखो दो रोज है, पहले तो दो रोज बना लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। और क्या बोल रहा है यहाँ पर, ई यू वी टी डब्ल्यू जेड, ई यू वी टी डब्ल्यू जेड, ये सब नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं। और क्या बोल रहा है, जी एच आई के पी ओ, जी एच आई के पी ओ, ये सब साउथ फेस करते हैं। मोर देन 2% सिट बिटवीन के एंड एच, के और एच के बीच में दो से ज़्यादा लोग बैठते हैं। एंड ओनली वन ऑफ देम सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, दोनों में से कोई एक जो है वो एंड पे बैठेगा, ठीक है। 2% सिट बिटवीन जेड एंड द वन हु फेसेस के,
जेड एंड द वन हु फेसेस के, दो लोग बैठते हैं जेड और उस पर्सन के जो के को फेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, टी सीट एडजेसेंट टू जेड, टी जो है वो एडजेसेंट है जेड के बट नॉट फेसेस एच, लेकिन टी जो है ये एच को फेस नहीं करता। आगे आपको बोल रहा है डब्ल्यू नीदर फेस के नॉर एच, डब्ल्यू जो है वो ना तो के को फेस करता है ना तो एच को फेस करता है। डब्ल्यू डज नॉट सीट एट द एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ये एंड पे भी नहीं बैठता। P does not sit adjacent to K. P जो है वो K के adjacent में नहीं होना चाहिए और P जो है वो H के भी adjacent में नहीं होना चाहिए। Number of persons sit between Z and V is same. Z और V के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग बैठे हुए हैं। Number of persons sit between K and I. फिर क्या बोल रहा है, Neither V nor I sit at any of the extreme end. Neither V nor I. ना तो V ना तो I जो है सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ये दोनों ही एंड्स पे नहीं बैठे हुए। जी नीदर सिट्स एडजेसेंट टू पी, जी जो है वो पी के एडजेसेंट नहीं है। नॉर फेसेस ई, ना ही ये ई को फेस करता है। ई हु सिट्स लेफ्ट ऑफ एट लीस्ट टू पर्सन, ई जो है वो लेफ्ट की तरफ में है कम से कम मिनिमम दो। W sits left of Z. W जो है वो लेफ्ट में बैठता है Z से, तो W जो है वो लेफ्ट में बैठता है Z से, ठीक है। अब देखो इसको ना बनाने का एक तरीका है, ठीक है, डॉट मेथड। डॉट मेथड क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ प्लेसेस पहले से फिक्स नहीं करते, तो मैंने अभी सिर्फ पांच बनाए हैं, छठवां जो है वो इधर बढ़ा लेंगे आगे। और तो Z को देखो नीचे वाली रो पे है, तो Z को मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ, ठीक। Z से दो छोड़कर जो पर्सन होगा, ये K को फेस करेगा। Z के नेबर में T होना चाहिए तो यहाँ पर T आ जाएगा। T के सामने H नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे, ठीक है। और K के अगल बगल में P नहीं होना चाहिए। अच्छा, K और H में से कोई एक एंड पे है, तो K और H में से कोई एक एंड पे है और दो से ज्यादा लोग बैठने चाहिए। तो देखो K से दो से ज्यादा मतलब मिनिमम तीन छोड़कर अगर यहां पर आओगे तो ये एंड नहीं होगा फिर, ठीक है। और यहां पर K को अगर एंड लेते हो तो इधर पर्सन बढ़ाना पड़ जाएगा, तो क्या कर सकते हैं इसमें, चलो ऐसा कर लेते हैं कि K से दो से ज्यादा मतलब तीन पर्सन छोड़कर यहां पर ले लेते हैं हम H को, ठीक है। ये ऐसा इसको T को भी सेट नहीं करते, अब H के सामने T नहीं आएगा अगर, तो T तो यही आएगा, फिक्स है ये। तीन तीन छह लोग हो गए हैं, ठीक है, अभी तक तो सही है बिल्कुल। K और H दोनों के सामने W नहीं है, K और H दोनों के सामने W नहीं है, एंड पे W नहीं है, तो W यहाँ पर आ जाएगा, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई है। E के लेफ्ट में मिनिमम दो तो है, तो E यहाँ पर नहीं आ सकता, नहीं, E जो है मिनिमम दो के बाद लेफ्ट में, तो मिनिमम दो मतलब इतने लोगों के बाद में लेफ्ट में, तो E इनमें से किसी एक जगह पे आने वाला है। और क्या बचा है, Z के लेफ्ट में W हो चुका है, V और I एंड पे नहीं है, V अगर एंड पे नहीं है, ये देखो V अगर एंड पे नहीं है तो V यहां आएगा, तो E यहां पर आ जाएगा। बचा क्या इसमें, E U, U बचा था, U को यहां रख देते हैं। I एंड पे नहीं है, अब देखो Z और V के बीच में कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, तो K और I के बीच में भी दो होने चाहिए, के से दो छोड़कर आई यहां पर आ जाएगा। जी जो है वो ई के सामने नहीं है, के बगल में पी नहीं है, तो पी यहां पर आ जाएगा। पी के बगल में जी नहीं है, तो जी ई के सामने आ गया, ये गलत हो गया। ये अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर ये जेड जो है इस तरफ से नहीं बन पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, के को एंड पे लेते हैं, तो वो वाला शायद सही हो जाएगा।
फिर से बनाते हैं इसको एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इस बार K को एंड पे लेते हैं, तो K एंड पे सामने जाकर दो छोड़कर Z, K से दो से ज़्यादा छोड़कर H है, तो K से दो से ज़्यादा छोड़कर H यहाँ पर आ सकता है, T यहाँ नहीं आएगा तो T यहाँ आ जाएगा, फिर W एंड पे नहीं है तो W यहाँ आ जाएगा, V एंड पे नहीं है तो V यहाँ आ जाएगा, Z और V के बीच में ज़ीरो है तो K और I के बीच में भी ज़ीरो हो जाएंगे, H के बगल में P नहीं आएगा तो P यहाँ हो जाएगा, E यहाँ हो जाएगा, U यहाँ हो जाएगा, G P के बगल में नहीं है तो G यहाँ हो जाएगा, W और क्या बच गया, G H I K P O। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, देखो तो एक बार कि सही है, मेरे को तो सही लग रहा है, K I के बीच में कुछ नहीं, Z V के बीच में कुछ नहीं, ठीक है, W एंड पे नहीं होना चाहिए, W के आगे K H नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है, V और I एंड पे नहीं है ये भी ठीक है, मिनिमम दो के लेफ्ट में E है ये भी ठीक है, G के आगे E नहीं है ये भी ठीक है, G के बगल में P नहीं है ये भी ठीक है, T के आगे H नहीं है ये भी ठीक है, Z के लेफ्ट में W है ये भी ठीक है, मिनिमम दो के बाद E है ये भी ठीक है, H और K के बीच में दो से ज़्यादा लोग है वो ठीक है, H के बगल में P नहीं है दोनों में से कोई एक एंड पे वो भी ठीक है, Z के बगल में T हो गया, Z से दो छोड़कर सामने में K हो गया, K के बगल में P नहीं होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट है ये आंसर, चेक कर लीजिए एक बार आप लोग भी, के आई पी ओ एच जी, के आई पी ओ एच जी, ई डब्ल्यू टी जेड वी यू, ई डब्ल्यू टी जेड वी यू, ठीक है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दोस्तों एक काम करते हैं, इसको ना आप लोग साथ में बनाइएगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं बचा है, अब 10:30 बजे पेड क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको साथ में बनाते हैं फटाफट, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, एक रो पे कुछ लोग बैठे हुए नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए, 12 सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ 14, 12 जो है थर्ड टू लेफ्ट में है 14 से, 14 हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ 15, ये 15 का इमीडिएट नेबर है, 3% सिट बिटवीन 15 एंड 20, 20 सिट्स टू राइट ऑफ 12, 20 जो है वो 12 के राइट साइड में है, उसके बाद 3% सीट बिटवीन 20-16, 20 से 16 के बीच में तीन लोग हैं, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन 12 एंड 20 इज टू मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सीट राइट ऑफ 16, 12 और 20 के बीच में जितने भी होंगे वो दो ज्यादा होंगे, देन द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू राइट ऑफ 16, 16 के राइट में जितने हैं उससे दो ज्यादा इसके बीच में होंगे, 2% सीट बिटवीन 18-16, 18-16 के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, 16 सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ 18, 16 जो है थर्ड टू लेफ्ट में है 18 से, 1, 2, 16, फिर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ 18 इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ 12, 18-12 का पेयर बन जाएगा, ऐसी कंडीशन कभी भी दिखती है पेयर बनता है, 11 सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ 12, 11 जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है 12 से, तो इससे बनाते हैं 16, 3 छोड़कर 20, 1, 2, 3 छोड़कर ये हो गया 20, 3 छोड़कर 15, 1, 2, 3 छोड़कर ये हो गया 15, उसके बाद 14 को यहाँ पर ले लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ऐसे इधर भी ले सकते थे ना, तो बाद में चेक करेंगे उसको, 14 से 2 छोड़कर 12, 1, 2 छोड़कर ये हो गया 12, 12 के राइट में 20 आ गया, 12 से 1 छोड़कर 11, 12, 18 पेयर बाद में बनाएंगे, 16 के राइट में जितने 12-20 के उतने, तो 12-20 के बीच में कितने हैं भाई, 3, 3, 6, 7, 7 लोग हैं अगर 12-20 के बीच में, तो दो ज़्यादा यानी कि 16 के राइट में 5 होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, अब 18 से 2 छोड़कर 16 है तो 18 यहाँ पर आ जाएगा, अगर इधर से तीसरे पे 18 है तो इधर से तीसरे पे 12 हो जाएगा, ये आपका सॉल्व हो गया। ये ऐसे ही बन रहा है क्या, चेक कर लो एक बार सभी लोग जिसने बनाया है, इतना ही हो रहा है क्या, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 19, 20, 20% आ रहे हैं,
अच्छा, इसमें कुछ लोगों को एक डाउट होगा कि सर अगर मैं ये 15 के इधर 14 लेते तो क्या होता, तो एक बार फटाफट बना लेते हैं उसको भी, ठीक है। यहाँ पर हमने 16 से स्टार्ट किया था, 16, 3 छोड़कर 20, 1, 2, 3 छोड़कर 20, 1, 2, 3 छोड़कर 15, अगर यहाँ पर 14 लेते तो 14 से 2 छोड़कर 12, 1, 2 छोड़कर ये हो जाता 12, 12 से 1 छोड़कर 11 यहाँ पर हो जाता, और 12 के राइट में 20 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 12 20 के बीच में कितने लोगे, 3, 2, 5 लोगे, तो 5 मतलब 16 के राइट में 1, 2, 3 लोग हो जाते, 18 से 2 छोड़कर 16, तो 18 यहाँ पर हो जाता, और 18 12 का पेयर बनाना होता तो गलत हो जाता, ये देखो 18 12 का पेयर नहीं बन रहा था, तो अगर 15 की इस तरफ 14 लेते तो 18 12 का पेयर नहीं बनेगा, ये वाले में पेयर बन रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 20 आपका आंसर बनेगा। देख लो 11 12 14 15 20 16 18 पर्सन भी गिन लेते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 15 18 2 20, टोटल 20 आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। लास्ट एक क्वेश्चन दोस्तों हमारा इसका बचा हुआ है, ब्लड रिलेशन का, इसको भी फटाफट बनाएंगे और बस खत्म आज के 100 क्वेश्चंस। इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन देर आर 6 पर्सन एंड दे आर एल एम एन एस टी एंड वाई, एल इज द ग्रैंडफादर ऑफ वाई, एल जो है वो ग्रैंडफादर है किसका, वाई का। फिर बोल रहे हैं वाई इज द नीस ऑफ एस, वाई जो है ये नीस है एस की, एस इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, एस जो है वो सिस्टर इन लॉ है टी की, एम इज द मदर इन लॉ ऑफ टी, एम जो है वो मदर इन लॉ है टी की, तो एम मदर इन लॉ यहाँ पर बना लेते हैं, एम वो टी की मदर इन लॉ है, तो टी की मदर इन लॉ जिससे शादी किया है, तो ये टी की मदर इन लॉ हो गई। एम इज द मदर इन लॉ ऑफ टी, एल हैज़ नो सन, एल का कोई सन नहीं है, बेटा नहीं है, मतलब इसकी बेटियाँ हैं, तो ये दोनों बेटियाँ हो गई, तो ये दामाद हो गया, जो भी नाम बच गया यहाँ रख दो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एल एम एन एल एम एन एस टी वाई, ठीक है। देर आर ओनली 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली एंड ओनली मैरिड कपल्स हैव चाइल्ड, ठीक है। तो अब क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, हाउ एस इज रिलेटेड टू वाई, एस जो है वो वाई से कैसे रिलेटेड है, एस जो है वो वाई की क्या लगेगी, मौसी लगेगी, मौसी मतलब आंट। हाउ टी इज रिलेटेड टू एल, टी जो है वो एल से कैसे रिलेट है, तो एल का ये दामाद है, दामाद मतलब सन इन लॉ। इफ डब्ल्यू इज हस्बैंड ऑफ एस, अगर डब्ल्यू जो है वो एस का हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, देन हाउ डब्ल्यू इज रिलेटेड टू एन, तो ये जो डब्ल्यू है वो एन का क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा, ब्रदर इन लॉ। इफ डब्ल्यू इज द हस्बैंड ऑफ एस, अगर डब्ल्यू जो है वो एस का हस्बैंड है, ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो मेल मेंबर कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3, 3 मेल मेंबर दिख रहे हैं, तो ये हो गया 3। इफ डब्ल्यू इज हस्बैंड ऑफ एस, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ द फैमिली, तो सेकेंड जनरेशन ये देखो, ये सेकेंड जनरेशन में 4 हो जाएंगे। कंप्लीट 100 क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूं दोस्तों मजा आया होगा आज की क्लास में। 10:30 बजे पेड क्लास है, अभी मेंस की सीरीज चल रही है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं yesofficer.com पर जाकर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, yesofficer.com इस पर जाकर आप एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी अभी ले सकते हैं, 25% का डिस्काउंट चल रहा है, इसका कोड है अभी सफलता दिवस 25। सफलता दिवस जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे उनके साथ हमने एंजॉय किया 7th of April को दिल्ली में, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो सिलेक्टेड थे आए थे मिलने के लिए, बहुत मज़ा आया उस दिन। उसी के उपलक्ष में ये सफलता दिवस का 25% का डिस्काउंट आप सभी के लिए है। ये ऑफर ख़त्म हो जाने के बाद दोस्तों ये कोड लगाना है आपको, AL10, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, AL10, ठीक है। और अगर आप सिर्फ मेरा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सिर्फ मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप इस कोड को यूज़ करके एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को मेरे सब्सक्रिप्शन में पूरा रीजनिंग, पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस RRB PO क्लर्क के लिए, और पूरा DI की जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ प्री और मेंस की, वो सारी क्लासेस आपको इसमें मिल जाएंगी। चलिए खत्म करते हैं दोस्तों, मॉक टेस्ट yesmock.com, इसको आप ज़रूर लीजिए दोस्तों। 499 में पूरे एक साल के सारे मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल रहे हैं, ज़रूर टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया जिसने नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और क्लास में आ जाइए पेड़ वाले फटाफट। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे कल की क्लास में, यू कैन एंड यू विल अगर आप चाहें तो। सर एक बार ये बता दो कि चेकलिस्ट इनफ है प्री के लिए, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल कंसेप्ट ऑफ रीजनिंग मेंस स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो बिल्कुल, क्लासेस में थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि क्लासेस में आपको स्पीड का पता चलेगा कि दूसरों से आप जल्दी बना रहे हो या नहीं, क्योंकि सेल्फ बैठ के आप PDF सॉल्व करते रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना समय लग रहा है।
ठीक है, चलिए खत्म करते हैं, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।